नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हल्ला बोल सीरीज नॉर्से 2021 और सब्जेक्ट कौन सा डील करने जा रहे हैं, जो दिल को घबराहट बोले तो पाल्पिटेशन कर रहा है, डिसरिदमिया कर रहा है, एरिदमियाज करा रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, किसी को ट्रेकिकार्डिया हो रहा है, किसी को ब्रेडिकार्डिया, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिल की धड़कने हिल जाती है जब इस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं। दोस्तों मेरे पीछे नजर आ रहा होगा रिसर्च मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज तक हमरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उत्कर्ष परिवार ने हमेशा एक ही चीज का वादा किया है कि चीजों को रटे नहीं, चीजों को समझे और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें। वही चीज डील करेंगे दोस्तों आज के सेशन के अंदर, चीजों को समझेंगे, रटने का कंसेप्ट नहीं रखेंगे, चीजों को समझेंगे कि होता क्या है, ऐसा क्या होता होगा रिसर्च के अंदर। भैया जी, रिसर्च का मतलब वापस से चीजों को सर्च करो, जो पहले आ चुकी है उनको वापस से सर्च करना रिसर्च कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करो, काम कैसे करना है उसको मैनेज करो। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, कमांड देते जाओ, लोगों को काम बताते जाओ। ये सारी चीजें अच्छे से डील करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। क्लास के अंदर थोड़ा सा चेंजेज करना पड़ा था कोई स्पेशल कारण के कारण, उसकी चिंता नहीं करें, आपके बैक टू बैक सारी क्लासें होगी। और ये इंपॉर्टेंट सेशन जो अपन रात को 8:30 बजे डील करने वाले थे, उसको 12 घंटे पहले कर दिया, लेकिन धमाका उतना का उतना बड़ा होगा दोस्तों। इस बार नॉर्सेट पार्क की अपन ने कसम खा रखी है, नॉर्सेट के लिए मेहनत करेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मैक्सिमम बच्चे को जल्दी से कनेक्ट कर लेना, ताकि ये क्या होगी, चेन टू चेन चलेगी। अगर किसी बच्चे की रिसर्च का पहला बकेट छूट गया तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कीजिएगा, ताकि इसे बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर पाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, जो सो रहे हैं उनको जगा दो कि उत्कर्ष परिवार आ गया है, उत्कर्ष परिवार आ गया है। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ के जवाब देना, और 1% भी, हर बच्चा जो मुझे देख रहा है मैं उसको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन गलत होता है, दिमाग में 1% नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, तेरा भला होगा, तेरा अच्छा होगा, तू मेहनत कर रहा है इससे अच्छा क्या होगा, तू मेहनत कर बेटा, सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। 1% नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। अगर आज की क्लास में 100 के 100 क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी दिमाग में रखना आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। क्लियर है, बस ये चीज सीखते जाना, कोई नहीं आज गलत हुआ, पढ़ा भी आज था, आज सीख लिया, सीखेंगे चीजों को, चिंता नहीं करें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज ए मोस्ट इफेक्टिव। भैया जी, कौन सी लीडरशिप स्टाइल सबसे इफेक्टिव देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, कब से वेट कर रहे थे, ये लीजिएगा, आपने वेट किया, हम चले आए जल्दी से। एक हर बच्चा कमेंट करेगा, प्लीज आज की क्लास में पूरा फोकस करना, क्योंकि हर बच्चा कमेंट करना गलत हो जाता है, वो सेकेंडरी कारण है। आपका दिल जो बोले वो जवाब दे देना कि एग्जाम में भी यही देने वाला था, गलत हो गया, कोई नहीं, अब गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है मोस्ट इफेक्टिव, क्या पूछा है लीडरशिप के अंदर दोस्तों, लीडरशिप के अंदर आपसे क्या पूछा है, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप। तो दोस्तों तीन प्रकार की लीडरशिप होती है। लीडरशिप बोले तो मेरी भाषा में नेतागिरी करना, पहला बोल रहा है लाइजे फेयर, दूसरा ऑटोक्रेटिक, तीसरा डेमोक्रेटिक। ये तीन टाइप इसके मोस्ट कॉमनली अपने को देखने को मिलते हैं। भैया जी, एग्जाम्पल पर फोकस करना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। ऑटोक्रेटिक का मतलब अगर हिंदी में बता दूं तो तानाशाही। अरे भैया जी, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होगा, तानाशाही करना। अरे सर, तानाशाही का मतलब यानी जो हुक्म दे दिया वो हुक्म मानना है, कोई सी भी प्रकार का आर्ग्यू नहीं करना। फॉर एग्जांपल के लिए हिटलर, याद है हिटलर क्या करता था, ऑर्डर देता था, दुनिया उस ऑर्डर को, उसके ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी वो मानती थी। दूसरा, अगर हिटलर भी याद नहीं कर पाओ तो आपकी कॉलेज लाइफ का प्रिंसिपल का चेहरा याद कर लेना, आपकी कॉलेज लाइफ का प्रिंसिपल का चेहरा याद कर लेना। वो बड़ा परेशान करता था कि आज आईडी कार्ड नहीं पहना, आज एप्रिन नहीं पहना, आज ड्रेस यूनिफॉर्म में शर्ट इन नहीं कर रखा, आज ऊपर वाला बटन कैसे खुला, आज स्लीव्स ऊपर कैसे कर रखी, आज तूने केयर प्लान कैसे नहीं बनाए, उसका चेहरा नजर आता था। वो बोल देता कि आपको 40 केयर प्लान 2 दिन में सबमिट करने हैं, तो करने का मतलब करने हैं, क्योंकि वो क्या करता था, ऑटोक्रेटिक राज करता था। अपने को ये कभी नहीं पूछता था कि तुम क्या कहना चाहते हो, कभी नहीं, जो उसने हुक्म दे दिया वही हुक्म होता था, ये कहलाता है ऑटोक्रेटिक। यानी इस पे फोकस क्या होगा, अगर इसकी बात करें, इसकी कमांड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। भैया जी, इसकी कमांड क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रांग कमांड होगी। और यह हमेशा फोकस किस पे करता है, आई, हमेशा फोकस किस पे करता है, आई, यानी मैं हूं, जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, डेमोक्रेटिक। भैया जी, डेमोक्रेटिक वाले भाई साहब थोड़े से सिंसियर है, यानी ये थोड़े से क्या है, सिंसियर है, जो क्या करते हैं, खुद का भी सुनते हैं, सामने वाला का भी सुनते हैं। ये कैसा देखने को मिलेगा, मिडिल कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये क्या देखने को मिलेगी, मीडियम कंडीशन होगी। इसके अंदर आई एंड यू दोनों पे फोकस किया जाता है, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोलेंगे, फिर निकालेंगे निचोड़ और क्या करेंगे, एग्जाम को क्रेक। ध्यान रखिएगा, जहां जहां डेमोक्रेटिक राज होगा वो क्या बोलेगा कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं,
भैया आप क्या चाहते हो वो बताओ, और फिर टीचर बोलेगा कि मुझे तो ये लगता है आपको ये लगता है, दोनों चीजों का सामंजस्य बना करके काम करेंगे, बोले तो आई एंड यू मीडियम कैपेसिटी होगी और ये डेमोक्रेटिक कहलाता है दोस्तों, काम के लिए अच्छा यही होता है, तानाशाही वाला ज्यादा नहीं चलता है। और पहला लिखा हुआ है लाइजे फेयर लीडरशिप, भैया जी लाइजे फेयर लीडरशिप का मतलब क्या हो गया, इसका वीक कंसंट्रेशन होती है और यह सबसे कमजोर या वीक के अंदर काउंट होगी, सबसे खराब अगर कोई लीडरशिप की स्टाइल है तो कौन सी है, लाइजे फेयर। अरे सर लाइजे फेयर के अंदर हमारे तो प्रिंसिपल बहुत ही मस्त है, कोई नहीं फिर उनको दूसरी कैटेगरी में रख देना, बहुत कम होते हैं, प्रिंसिपल होगा तो खड़ूस होना जरूरी है, प्रिंसिपल होगा तो खड़ूस होना जरूरी है, मैंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी। पहला क्या लिखा हुआ है लाइजे फेयर, भैया जी लाइजे फेयर का मतलब क्या है, इनका बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा वी, यहां चीजें क्या देखने को मिलेगी वी, यानी सारा का सारा डिसीजन आप लोग ले लो, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी प्लानिंग करनी है कैसी स्ट्रेटेजी करनी, नहीं कर सकते, अरे ये नहीं कर सकते, तो ये सबसे वीक कंडीशन की कौन सी लीडरशिप होती है लाइजे फेयर। सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होती है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक पे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सबसे बढ़िया लीडरशिप कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल के लिए देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई कोविड के रूप में और कोविड के रूप में जो डिसीजन लिया गया लॉकडाउन का वो कौन सा था, ऑटोक्रेटिक डिसीजन, यानी लॉकडाउन लगा दिया मतलब लगा दिया, सबको पालना करनी है तो करनी है, तभी कोरोना क्या हो पाया था आपका कंट्रोल हो पाया, वो कौन सी लीडरशिप थी ऑटोक्रेटिक। भैया जी इसको कहां यूज करोगे, मेनली तो इमरजेंसी कंडीशन में बेस्ट होती है, इमरजेंसी कंडीशन में ये सबसे बेस्ट लीडरशिप के अंदर काउंट होती है। तो ये तीन लीडरशिप के काउंट है, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपसे पूछा था मोस्ट इफेक्टिव, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगी, राइट आंसर जाएगा बी, क्योंकि इनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता, हर एक इनका हुक्म मानेगा और हुक्म मानेगा तो काम होगा। चलू आगे, चलू चलू चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़िएगा और जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना डियर, ताकि लग जाना चाहिए कि हाँ अब रिसर्च मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन को भी हम नहीं छोड़ेंगे और इस बार नॉर्सेट को क्रैक करके दिखाएंगे, अच्छा सा सिलेक्शन लाएंगे। यूपी एनएचएम की वैकेंसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे डियर, अखिलेश जी करेंगे डिस्कशन, चिंता नहीं करें, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा, इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिसीजन मेकिंग बेस्ट, भैया जी डेमोक्रेटिक के अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी कैसी होगी, पहला बोल रहा है सेल्फ बेस्ट, क्या खुद लेगा, दूसरा क्या बोल दिया पार्टिसिपेटिव होगा यानी मिलजुल करके डिसीजन लेंगे, तीसरा बोल रहा है डिसप्रेस्ड होगा यानी कोई इतना फोकस नहीं होगा, और लास्ट बोल रहा है बाई कंसर्न। अरे भैया जी बाई कंसर्न किस में आता है, ऑटोक्रेटिक में, पूछा हुआ क्वेश्चन है याद रख लेना, ये किस में होगा ऑटोक्रेटिक में होगा, ऑटोक्रेटिक डिसीजन के अंदर बाई कंसर्न आता है यानी डायरेक्ट क्या बना देते हो, दबाव बना देते हो, बाय डायरेक्ट क्या बनाओगे, प्रेशर क्रिएट करोगे, दबाव बनाओगे, सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होगा। लेकिन जब आपको डेमोक्रेटिक के बारे में पूछ लिया तो डेमोक्रेटिक का हमेशा जाता है पार्टिसिपेटिव, मैंने बोला था कुछ हम बोलो कुछ तुम बोलो फिर निकालेंगे निचोड़ और करेंगे काम का कबाड़ा, काम का कबाड़ा नहीं काम को पूरा करेंगे, राइट आंसर क्या जाएगा पार्टिसिपेटिव, बहुत बढ़िया, अब तो जवाब आने लग गए आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा रेशियो ऑफ स्टाफ नर्स पेशेंट इन द इंजेक्शन रूम, भैया जी इंजेक्शन रूम में नर्स पेशेंट रेशियो का रेशियो क्या देखने को मिलेगा, इंजेक्शन रूम में क्या रेशियो देखने को मिलेगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा वरना भैंस पानी में जा सकती है बेटा जी, लेकिन कोई नहीं भैंस को पानी में जाने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे, उसको तैरा करके निकाल देंगे, गारंटी है। अरे आई एंड यू ये बीच में डॉट डॉट लगा करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें डियर, मैराथन चाहिए मैराथन भी आ जाएगी। मैक्सिमम बच्चों का जवाब तो किसी का 113 आ रहा है, 186, 100 और 135, अलग अलग अजीबो गरीब चारों आंसर आ गए, इसका मतलब अब मुझे बताने ही पड़ेंगे क्या जवाब होगा। कुछ बच्चों का सही जवाब आया है वेरी गुड, जिनका सही आया उनको बधाई, जिनका नहीं आया उन बात को समझ लेना। भैया जी आपसे पूछा है इंजेक्शन रूम और इंजेक्शन रूम में नर्स पेशेंट का रेशियो होता है 1:86, क्या होता है 1:86, यानी एक तो क्या चाहिए आपको नर्स चाहिए, एक तो आपको क्या चाहिए भैया जी नर्स चाहिए, और वहां कितने पेशेंट देख को मिलेंगे तो 86 पेशेंट पे एक नर्स देखने को मिलेगी, यानी जब तक 86 पेशेंट आएंगे तब तक आपको एक नर्स काम चल जाएगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा प्लस 35 अगर पेशेंट बढ़ गए, अगर उसके बाद में प्लस 35 पेशेंट बढ़ गए तो आपको एक नर्स की पोस्ट और इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक नर्स की पोस्ट क्या करनी पड़ेगी और इंक्रीज करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। दूसरा एग्जामिनर अगर आपसे पूछ सकता है दोस्तों
वेरी गुड। अगर आपसे ओपीडी के अंदर पूछ ले कि ओपीडी के अंदर क्या रेशियो देखने को मिलेगा, तो ये जवाब जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में 1:100 देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया जी हाँ। अगर वहीं पे मैं आपको रेशियो 86:1 नहीं 1:86 जाएगा डियर। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आईसीयू के अंदर रेशियो क्या होगा, आईसीयू के अंदर कमेंट करके बताएगा डियर, आईसीयू में क्या रेशियो देखने को मिलेगा, आईसीयू के अंदर क्या रेशियो देखने को मिलेगा, जल्दी से कमेंट फास्ट यार। मैं आप ही लोगों के कमेंट का कर रहा हूं इंतजार, जब मिलेगा कमेंट तो देंगे उसका जवाब। आईसीयू के अंदर क्या रेशियो देखने को मिलेगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या देखने को मिलेगा, 1:1 आईसीयू में देखने को मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर में क्या देखने को मिलेगा डियर, अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन थिएटर में रेशियो क्या देखने को मिलेगा, ओटी के अंदर क्या रेशियो देखने को मिलेगा, नर्स पेशेंट एनपी का मतलब नर्स पेशेंट, तो भैया जी यहाँ 3:1 होता है, यहाँ क्या होगा 3:1 होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, एक पेशेंट के लिए 3 नर्स चाहिए ओटी के अंदर, एक पेशेंट के लिए 3 नर्स चाहिए। बहुत बढ़िया, ईच शिफ्ट के लिए 3:1, बहुत बढ़िया डियर, यही कंसेप्ट चाहिए। नेक्स्ट अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है एमओटी, अरे कौन मोटी, मैं मोटी नहीं, एमओटी बोले तो माइनर ऑपरेशन थिएटर, माइनर ऑपरेशन थिएटर के अंदर रेशियो क्या रखोगे डियर, माइनर ऑपरेशन थिएटर में 1:1 चलेगा, माइनर ऑपरेशन थिएटर में रेशियो क्या चलेगा, 1:1 चलेगा, यानी एक मरीज के लिए एक नर्स ही काफी है साहब, एक पेशेंट के लिए एक नर्स ही काफी है। नेक्स्ट एग्जामिनर किसका पूछ सकता है दोस्तों, वार्ड के अंदर, अगर आपसे पूछ ले जनरल वार्ड के अंदर रेशियो क्या होगा, तो 1:25 होगा, रेशियो क्या देखने को मिलेगा, चलेगा। यहां क्या बोल रहा हूं वार्ड इंचार्ज के बारे में, वार्ड इंचार्ज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भैया जी वार्ड इंचार्ज की क्या रेशियो होगा, तो 25 पेशेंट पे एक इंचार्ज चलेगा साहब, 25 पेशेंट पे क्या है एक इंचार्ज काफी है। ये इंपॉर्टेंट बड़े बड़े जो रेशियोज थे वो अपन ने डील कर लिए, याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पर आपसे पूछ सकता है जनरल वार्ड, जनरल वार्ड के अंदर रेशियो क्या होगा, 1:5 देखने को मिलेगा, जनरल वार्ड में रेशियो क्या लेना है, 1:5 लेना है। अगर आपसे पूछ ले इंचार्ज के अंदर तो 1:25 लेना है। वहीं आपको ऑपरेशन थिएटर का पूछे 3:1 लेना है, आईसीयू का 1:1 लेना है, ये अपन ने बता दिया, इंजेक्शन रूम का ओपीडी का 1:100 बता दिया, एमओटी का 1:1 बता दिया, चलिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, जी हां वहीं पे अगर आपसे पूछ ले प्री गायनिक कंडीशन, प्री लेबर रूम पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे हुए क्वेश्चन डील करूंगा, प्री लेबर रूम, प्री लेबर रूम के अंदर रेशियो क्या देखने को मिलेगा, तो जवाब देना 1:25। क्या जवाब दोगे, 1:25 वाला रेशियो काम में लेना है, कहां पर, प्री लेबर रूम, लेबर रूम से पहले। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना डियर, जी हाँ। एक्सप्लेन क्या करना है, यही रेशियो होगा डियर, 1:86, एक नर्स होगी 86 पेशेंट होंगे, इसमें एक्सप्लेन वाली कोई चीज ही नहीं बची, वरना जरूर करते डियर। सारी चीजें समझ में आ गई, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स पेशेंट रेशियो इन ईच शिफ्ट इन द आईसीयू एंड सीसीयू सेटिंग, भैया ईच शिफ्ट में पूछा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कॉलेज के अंदर 1:10 होगा डियर, कॉलेज के अंदर आप पूछना चाहते हो, कॉलेज में क्या रेशियो देखने को मिलेगा, 1:10 स्टूडेंट, एक टीचर होगा और 10 स्टूडेंट होगा, 1:10 देखने को मिलेगा, 1:10 देखने को मिलेगा डियर, चलेगा। इसका जवाब दीजिएगा, यहाँ ईच शिफ्ट पूछा है भैया जी, क्या पूछा है आपसे, ईच शिफ्ट पूछा है, हर शिफ्ट में नर्स पेशेंट का रेशियो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से कमेंट फास्ट। राफेल डियर, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आने लगा है 1:1। अरे भैया जी ईच शिफ्ट पूछा है, हर शिफ्ट में चेंजेज होगा या नहीं होगा, होगा साहब, हर शिफ्ट में चेंजेज होगा या नहीं होगा, होगा सर, अरे होगा तो रेशियो भी तो चेंज होगा, अरे इसके अंदर याद रखना था, पहले मैंने बताया था 1:1, एक मरीज काम में है, एक तो नर्स है, एक ही पेशेंट है, लेकिन इसके पास में 30% को अपन ने क्या रखा था, रिजोवियर रखा था, भैया जी रिजोवियर बोल दो चाहे रिलीवर बोल दो, यानी अगर ये स्टाफ छुट्टी पे चला गया तो उनमें से निकाल लाएंगे, अगर ये छुट्टी पे चले गए तो उनमें से निकाल लाएंगे। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, हंसेंगे लास्ट में, हंसेंगे, कई बच्चे बोल रहे सर स्माइल प्लीज, लास्ट में खूब हंसेंगे, बोले तो कपिल शर्मा की तरह कूद कूद कर हंसेंगे, याद रखिएगा। यहां इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा आपके वार्ड में क्या है 10 पेशेंट है,
आपके वार्ड के अंदर कितने पेशेंट है दोस्तों, 10 पेशेंट है। अब 10 पेशेंट के लिए आपको स्टाफ भी कितना चाहिए, 10 चाहिए। लेकिन ड्यूटी के दौरान शिफ्ट कितनी होती है, 3 होती है। एक हो गई मॉर्निंग, दूसरी हो गई भैया जी इवनिंग, और एक हो गई नाइट। अब मुझे बताओ कि 10 मरीजों के लिए 10 तो मॉर्निंग में बुला लिए, 10 इवनिंग में बुला लिए और 10 नाइट में बुला लिए, यानी स्टाफ कितना बुला लिया। अरे भैया स्टाफ कितना बुला लिया, तो सर स्टाफ तो 30 आ गया, लेकिन मरीज कितने हैं, मरीज हैं 10। 0 से 0 गया, रेशियो क्या निकल आया, 3:1। याद रखिएगा, अगर ईच शिफ्ट का पूछेगा तो जवाब जाएगा 3:1, और अगर आपसे पूछ लेता है नॉर्मल आईसीयू का रेशियो तो ये जाएगा। डियर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी भी जगह लागू कर देना, गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। हमारे हॉस्पिटल में तो 10:1 है। 10 कौन है, पेशेंट या आप? एक मरीज के ऊपर 10 नर्सिंग स्टाफ है क्या राहुल अंशुल? इतने क्या करते हो, और एक मरीज के पास में 10 खड़े होकर के बातें करते हो क्या? चलेगा, ये मैंने क्या बता दिया, अगर आपसे मॉर्निंग इवनिंग और नाइट यानी ईच शिफ्ट के बारे में बात करेगा तो रेशियो ये वाला फॉलो होगा, और अगर नॉर्मल पूछे तो रेशियो ये होगा। चले आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्सिंग रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, यहां फिर से भैंस पानी में जा सकती है डियर, क्योंकि भैंस आज बड़ी नाजुक है और पानी से बड़ी प्यार करती है। बोले तो ओई मां पानी में जाऊंगी, लेकिन नहीं जाने देंगे उसको, किसी भी सूरत में निकाल निकाल के उठा उठा करके खींच खींच के बाहर लाएंगे, क्योंकि इस बार नॉर्सेट के अलावा अपने पास में ना तो कोई चारा है, और उस चारा उसी भैंस को खिला देंगे जो अपना नॉर्सेट वाला चारा है। चलेगा, बहुत बढ़िया। अरे इमोजी को थोड़ा सा रोक दीजिएगा डियर। जी हाँ, ओटी का बता दिया ना, 3:1 डियर। अब मैंने क्या बताया, द कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नर्सिंग रिकॉर्ड। कहाँ से कलेक्शन कर रहे हो, नर्सिंग रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, थ्रू द अदर एविडेंस अबाउट द पेशेंट केयर, यानी जो नर्सिंग ड्यूटी के दौरान जो आपने एविडेंस के रूप में जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगर कोई हासिल करता है तो वो कौन चीज़ होती है, वो नर्सिंग ऑडिट कहलाएगी, मेडिकल ऑडिट कहलाएगी, इंस्पेक्शन कहलाएगा, एक्रीडेशन कहलाएगा। अरे भैया जी क्या बोल बोलोगे उसको, क्या बोलोगे डियर, वेरी गुड। इस बार दिल को कर दिया है गार्डन गार्डन, और गार्डन में खिलने लगा है फूल, क्योंकि आपके जवाब आए हैं बड़े कूल कूल। राइट आंसर क्या जाएगा, नर्सिंग ऑडिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, याद रख लेना। सादा सिंपल सा जवाब है, जो भी डाटा हॉस्पिटल में आप कलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो। क्यों करते हो सर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब, डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब क्या है, एकमात्र मतलब है एविडेंस। मतलब क्या रहेगा, एविडेंस के लिए यानी गवाह के लिए काम में लेते हैं। यानी कल को पेशेंट मुकर जाए कि हमको तो किसी ने इंजेक्शन लगाया ही नहीं, तो बता देंगे लगाया कैसे, नहीं बेटा हमने लिख रखा है लगाया था। और अगर बोल देगा कि हमारी इस गलत इंजेक्शन के कारण मौत हो गई, तो भी बता देंगे गलत इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन सही था, गलत आप थे इसलिए मर गए, तो भी जवाब। यानी एविडेंस गवाह के रूप में जो डॉक्यूमेंटेशन करते हो उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेता है तो वो कौन लेता है, नर्सिंग ऑडिट के रूप में। ऑडिट में टीम आती है और आपसे डाटा कलेक्ट करती है, और इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑडिट के अंदर क्या किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस चेक किया जाता है नर्सिंग की। इसमें क्या करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, क्या चेक करोगे भैया जी, क्वालिटी चेक की जाती है, क्या चेक करोगे, क्वालिटी चेक की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा, मैं उतने ही शब्दों का प्रयोग करूंगा जितने आपके दिमाग में घुस सके। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत डीप में, रिसर्च की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी कर सकते हैं। बोले तो इसको सालों साल पढ़ सकते हैं दोस्तों, साइंटिस्ट तो अभी तक रिसर्च से ऊपर नहीं आ पाए, तो आपने को तो उतना ही पढ़ना है जितना सिलेक्शन हो पाए। क्लियर है, अगर यहां नर्सिंग की जगह मेडिकल चला आता, अगर यहां यूज हो जाता मेडिकल वर्ड, तो रिजल्ट क्या चला जाता, मेडिकल यूनिट। ये नहीं होगा, इंस्पेक्शन का मतलब अपने नैनो को घुमा करके नजरों से भांपते रहना उसको। अरे भैया मरने के बाद जब घरवाले करने आएंगे आपके ऊपर केस, तब बताएंगे कि हमने गलत नहीं लगाया था, मरीज को बताने नहीं जाना, और एक्रीडेशन का मतलब यहां नहीं होगा। चलूं आगे डियर, जब फैमिली वाले पूछेंगे या केस होगा, एमएलसी नोटेड होगी, मेडिकल लीगल केस, तो उसके दौरान बताएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़ा सा फटाफट से अपनी स्पीड को बढ़ाएगा फिर जवाब दीजिएगा। आज मैं स्लो इससे चलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आज भारी भरकम सब्जेक्ट है और ज्यादा तेज चले तो हवा भी नहीं लगेगी, और अपना टारगेट है कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे और सिलेक्शन पथ की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है, पब्लिक हेल्थ नर्स इन द हेल्थ सेंटर बिहेव लाइक ए
डायरेक्ट रोहर्स एंड द यूज ए पोजिशन पावर टू गेट हर वर्क डन सी मेक द ओल्ड डिसीजन एंड द डज नॉट इन्वॉल्व हर द सबऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट सी मेक द ओल्ड डिसीजन वो सारे निर्णय लेती है एंड डज नॉट इन्वॉल्व हर द सबऑर्डिनेट और वो किसी भी सबऑर्डिनेट यानी खुद के नीचे वाले कर्मचारियों को उसके अंदर नहीं घुसने देती डिसीजन मेकिंग के दौरान इस वर्ड को पकड़ के दे दो बेटा जल्दी से जवाब विच स्टाइल ऑफ द लीडरशिप बेस्ट डिस्क्राइब यानी एक मैडम है जो मैडम खुद का परिणाम खुद का डिसीजन खुद लेती है और अपने सब ऑर्डिनेट यानी कर्मचारियों को उस डिसीजन में नहीं शामिल होने देती क्या बोलोगे सर तानाशाही बोलेंगे हिटलर बोलेंगे खड़ूस बोलेंगे लीडरशिप में कौन सी बोलोगे ऑटोक्रेटिक बोलेंगे राइट आंसर क्या चला जाएगा ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होगा ब्यूरोक्रेटिक होगा लाइजे फेयर होगा नहीं होगा साहब राइट आंसर क्या जाएगा ए सही होने शुरू हो गए सही बहुत बढ़िया डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फिर से नया क्वेश्चन फिर से नई शुरुआत फिर से धमाधम से कमेंट आना चाहिए दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज की क्लास के अंदर तो हम रिसर्च मैनेजमेंट को सीख के जाएंगे तो एक बार मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर को कनेक्ट कर देना जिनका ख्वाब नर्सिंग ऑफिसर बनना है जी हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट को कनेक्ट कर देना जिनका ख्वाब नॉर्सेट और नॉर्सेट है और इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे उसको नहीं पढ़ेंगे जब उत्कर्ष परिवार छात्र हितों में उतर चुका है तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आज के तारीख के अंदर मैंने बताया था रिसर्च मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लगेगी तो लग रही है दोस्तों कि उसने पूछा है लीडरशिप इज ए इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस आपसे पूछा है लीडरशिप इंपॉर्टेंट रहेगी सक्सेस के लिए फायदे के लिए फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए द फॉलोइंग आर ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द लीडरशिप एक्सेप्ट अरे बोल रहा है कि लीडरशिप के सारे एलिमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं छोड़ करके सारे के सारे लीडरशिप के एलिमेंट्स तो मुझे अच्छे लगे एक को छोड़ करके पढ़ते हैं कौन कौन सा है पहला बोल रहा है द मस्ट बी लीडर द फॉलोवर इन द ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि लीडर के डिसीजन को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना चाहिए दूसरा बोल रहा है द लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा ऑटोक्रेटिक होना चाहिए तीसरा बोल रहा है देयर इज ए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर्स ये क्या बोल दिया तीसरे ने बोला अनइक्वल यानी असमानता के साथ में बांट दो किसको बांट दो पावर को बांट दो किनके बीच में लीडर और फॉलोवर्स के बीच में और लास्ट बोल रहा है लीडर कैन इन्फ्लुएंस अ फॉलोवर बाय देयर बिहेवियर यानी बोल रहा है लीडर को खुद को सीखना चाहिए लोगों को देख देख करके अरे भैया लीडर तो लोगों को देख देख करके सीखेगा तभी तो अपने वर्क प्लेस में चीजों को नई को इंप्लीमेंट करेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो एक दोस्त ने मौसमी परचेज कर ली आपने देखा कि उसके पास में वो मौसमी पढ़ रहा है मौसमी बहुत अच्छी किताब है तो आपने उसको देख करके सीख करके खरीद ली तो ये कोई गलत बात थोड़ी है आपने उसको देख करके इंप्लीमेंट कर लिया तो ये बात तो सही है पहला बोल दिया देर मस्ट बी लीडर एंड द फॉलोवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन भैया लीडर को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करेगी तो क्या खाक लीडर है अरे भैया जी नेता बना दिया नेताजी को अगर जनता जी फॉलो नहीं करेगी तो नेताजी का क्या होगा तो जनता जी को नेताजी को फॉलो करना पड़ेगा याद रखिएगा ये अच्छी बात है यानी कोई भी कंपनी का बॉस है बॉस तो बॉस होता है बॉस इज ऑलवेज बॉस और अगर आप बॉस को फॉलो नहीं करते हो तो फिर कंपनी में क्या कर रहे हो दूसरा बोल दिया लीडर इज ए यूजुअली ऑटोक्रेटिक जी हाँ लीडर के पास में ऑटोक्रेटिक पावर होना चाहिए वरना उसके जो सब ऑर्डिनेट मेंबर्स होंगे वो उसका कहना नहीं मानेंगे काम नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो या किसी भी बिजनेस के मालिक हो अब आपने आपकी जनता को या आपने जो सब ऑर्डिनेट जो कर्मचारी है उनको बोल दिया कि कल सुबह 8 बजे आना है और कल 8 घंटे काम करना है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है लेकिन आ ही नहीं रहे कर्मचारी तो आए ही नहीं उन्होंने बोला तेरे कहने से थोड़ी होगा मेरी तो नींद 9 बजे खुलती है अरे भैया आपके कहने से जब वो ड्यूटी पे नहीं आए तो काम क्या करेंगे तो आपके पास में ऑटोक्रेटिक पावर होना चाहिए आपने 8 बजे का बोल दिया तो लोग 7:45 आ जाने चाहिए यानी वो कैसा होना चाहिए ऑटोक्रेटिक पावर होगा तभी बिजनेस चलेगा लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पर संबंध गलत है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलना चाहिए राइट आंसर गलत पूछा था और गलत का सी जाएगा चले आगे डियर बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे ध्यान से पढ़िएगा फटाक से जवाब दीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया इजी क्वेश्चन है हर एक बच्चा जवाब देगा क्या मैनेजमेंट रिसर्च से घबराने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है मुझे लगता है आज थोड़ा मंदी चल रही है मार्केट में या आपने अभी तक लोगों तक कनेक्ट नहीं किया मैक्सिमम बच्चों तक शेयर नहीं किया होगा क्लास को
चलेगा। सी जवाब आने लग गया, आपसे पूछा था 14 प्रिंसिपल। अरे भैया जी 14 वर्ड आते ही आपको याद आ जाता है एक मैडम का नाम, और उनका नाम क्या है, हेनरी फेयोल। अरे क्या नाम है, हेनरी फेयोल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी हर एक प्रकार का कमांड होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, पावर होना चाहिए, डिसीजन होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारे की सारी चीजें उसमें काउंट की थी किसी भी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्लियर है आपका? डेनियल फ्राइड, मेरी फेल्ट या फ्लोरेंस नाइटिंगल का यहां संबंध नहीं है, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल दिए थे। चले आगे डियर। टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशनल हाइजीन ऑफ द मैनेजमेंट वाज द प्रपोज। अरे भैया जी टू फैक्टर थ्योरी किसने बताई थी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, जल्दी से बताएगा टू फैक्टर थ्योरी। जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जाएगा डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, टू फैक्टर थ्योरी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार भी नॉर्थ सेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा था, वो अभी डील करवाऊंगा। पिछली बार भी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी के बारे में, हेवर्थन इफेक्ट के बारे में नॉर्थ सेट में पूछा था। डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन फंसेंगे डियर, और आज ही की क्लास से फंसाने की कोशिश करेंगे, चाहे डायरेक्टली फंस जाए नहीं तो इनडायरेक्टली तो 100% उसको फंसाने की कोशिश करेंगे। चिंता मत कीजिएगा, लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे लेकिन कुछ बेहतरीन करके दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया, टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जवाब क्या जाएगा? मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है फ्रेडरिक टेलर। चलेगा, अब ये भी जवाब आने लगा फ्रेडरिक टेलर और ये मैं कंफ्यूज हो, तो भैया टू फैक्टर थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। किसने दी थी? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। राइट आंसर ए जाएगा। इनमें दो चीजें इन्होंने बताई थी, एक तो बताया था मोटिवेशन, एक तो इन्होंने क्या बताया था, मोटिवेशन बताया था, और दूसरा क्या बताया था, सेटिस्फेक्शन। भैया जी दो चीजें बताई थी कि अगर मैं आपको किसी काम के लिए बोल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, आपने बोला यस सर, तो नर्सिंग ऑफिसर तो बनना चाहते हो लेकिन उसके लिए मेहनत करते हो, आपने बोला यस सर। अरे भैया जब पढ़ाई करते हो कितने घंटे, आपने बोला 10 घंटे। अरे 10 घंटे मेहनत करोगे तो क्या होगे, मोटिवेट होंगे सर नॉर्थ सेट के लिए। और मोटिवेट होना, मेहनत करना, अच्छे से चलना, सक्सेस के पथ पे चलना, ये आपके लिए कौन सा इंडिकेटर रहेगा डियर, कौन सा इंडिकेटर रहेगा? तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव खबर है, ये पॉजिटिव खबर आ रही है। सुबह उठते ही बोले तो पहले दिन रात को डिसाइड किया था, कल उठ करके 12 घंटे और सुबह उठते ही 12 घंटे कंप्लीट कर लिए। जी हां, रात को सोते टाइम सोचा था कि कल के दिन में 12 घंटे पढ़ने, और सोने से पहले मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। मोटिवेट हुए सर, और मोटिवेट हुए तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन दूसरा क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन, यानी रात को सोते टाइम बोला था 12 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन ताबड़तोड़ मेहनत कर ली, टीवी देख ली, मैच देख लिया, व्हाट्सअप चला लिया, इंस्टा चला लिया, पढ़ाई भी कर ली। पढ़ाई कितने घंटे हो गई, 4.5 घंटे। पढ़ाई कितने घंटे हो गई, 4.5। सोचा कितना था, 10 घंटे का सोचा था, पढ़ाई हुई कितनी, 4.5। रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सेटिस्फेक्शन, नॉट गुड नॉट बैड वाला रिजल्ट निकल के आएगा। तो उस टाइम दिमाग क्या बोलेगा, दिमाग यही बोलेगा नेगेटिव रिजल्ट। दिमाग क्या बोलेगा डियर, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में आपको बताएगा। दिमाग क्या बोल देगा, परिणाम अच्छे नहीं आए, परिणाम आने थे वो परिणाम नहीं आए। तो यहां दिमाग क्या बोल जाएगा, सेटिस्फेक्शन। तो टू फैक्टर थ्योरी में दो चीजें आती है, मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन। ये जानकारी दी कौन से भाई साहब ने थी, ये जानकारी दी थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। मेरे हिसाब से भूलोगे नहीं, यानी जो डिसाइड किया है नॉर्थ सेट के लिए उसको अगर बा लेते हो, उसको पहुंच जाते हो उस चीज के लिए। बहुत सही बोल रहा हूँ ना मीना कश्यप, बहुत बढ़िया डियर। जी हाँ, अब याद रख लेना, मोटिवेशन होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सेटिस्फेक्शन का मतलब सिमिलर या मिलता जुलता रिजल्ट आया तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। चलूँ आगे डियर, चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा है, अरे चीज़ें रटवाऊंगा नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा कि सीधे याद आएंगे। अब मेरे हिसाब से टू फैक्टर थ्योरी को थोड़ी भूल पाओगे आप, नहीं भूल पाओगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द हाइजीन को इससे सेटिस्फेक्शन से जोड़ा है डियर। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें हाइजीन क्या है। चलिएगा, ये टू फैक्टर में मोटिवेशन और हाइजीन, हाइजीन को सेटिस्फेक्शन से जोड़ा, हाइजीन यहां लिख सकते हो, ये हाइजीन को सेटिस्फेक्शन से काउंट किया गया है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जवाब दो डियर। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द थ्योरी स्टेस द इंपॉर्टेंस फॉर द चेंजेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे भैया जी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई ऐसी स्टेसेस थ्योरी है, ऐसी कोई स्टेसेस थ्योरी है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेज करने का आपको मौका मिल रहा है, उसको नियो क्लासिकल बोलोगे, क्लासिकल बोलोगे, सिस्टम बोलोगे या कास्ट थ्योरी बोलोगे। तो सादा सिंपल सा जवाब है, किसी भी एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई
कोई भी चीज को चेंजेज करने में जो मदद मिलती है वो आपकी कौन सी थ्योरी कहलाती है, कास्ट थ्योरी कहलाती है। भैया जी राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है भैया, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ने पूछा द इथिकल प्रिंसिपल। अरे भैया इथिकल प्रिंसिपल पूछा है, विच शो ऑब्लिगेटेड टू टेल द ट्रूथ। अरे इथिकल प्रिंसिपल के अंदर बोल रहा है कि ऑब्लिगेटेड टू टेल ट्रूथ, हमेशा क्या बोलो, सच बोलने की कोशिश करो। ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलने की कोशिश करो। ऑटोनॉमी बोलोगे क्या, वेरासिटी बोलोगे, फेडिलिटी बोलोगे, बेनिफेंस बोलोगे, क्या बोलोगे डियर? ये अपन ने कोड ऑफ इथिक्स की क्लास में मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ऑटोनॉमी का मतलब ऑटोनॉमस पावर यानी जो चीज मेरे सेल्फ डिसीजन है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिसीजन वाली चीजें यानी मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला मैं लूंगा। और अच्छा ऑटोनॉमी दिमाग में बिठा दूं, एम्स आपका क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है। एम्स आपका क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज है, ऑटोनॉमस बॉडी। और जब वो ऑटोनॉमस बॉडी है तभी उसने क्या लगा दिया, लगा दूं आपके गांव पे, लगा दूं आपके गांव के ऊपर नमक। एम्स क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद के लिए खुद का सेल्फ डिसीजन लेती है, खुद के लिए खुद का नियम बनाती है। क्या लगा दिया था, 80-20 भूलना मत। लेकिन इसको ऑटोनॉमी को हर जगह आपको कहाँ जोड़ना है, पेशेंट से जोड़ना है। यानी अगर मरीज चाहेगा तो वो इंजेक्शन लेगा, मरीज नहीं चाहेगा तो इंजेक्शन नहीं लेगा, मरीज चाहेगा तो ट्रीटमेंट करवाएगा, मरीज नहीं चाहेगा तो मरीज ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। यानी पेशेंट के पास में खुद का सेल्फ डिसीजन होता है कि मुझे इलाज करवाना है या नहीं करवाना है। क्लियर हो गया, तो ये ऑटोनॉमी नहीं होगा। दूसरा बोल दिया वेरासिटी, जी हाँ हमेशा सही बोलना ही क्या कहलाता है, वेरासिटी। तो हमेशा सच बोलने की कोशिश करो, सच हमेशा जीत के दिखाएगा। सच क्या करेगा, हमेशा जीत के दिखाएगा, वेरासिटी। सर फेडिलिटी का मतलब क्या होगा, फेडिलिटी का मतलब है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वादा किया है जो निभाना पड़ेगा, जी हाँ जो वादा किया है वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और लास्ट में बोल दिया बेनिफेंस। अरे भैया जी बेनिफेंस का मतलब हर चीज को मरीज के फायदे के लिए सोचो। इंद्रधनुष अभियान फॉर बेड सीट विबग्योर, क्या हो गया, इंद्रधनुष कहां से ले आए, ईएसआईसी में बेड सीट का कलर कोड है डियर, उसको वहां से क्या, जी हां मैं नहीं छिड़कूंगा जले पे नमक, मत करो दोस्तों। बेनिफिट्स का मतलब क्या होगा, फायदा। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं डियर, लेट हो गए, जब जागो तभी सवेरा, अभी लग जाओ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एनक्लोजिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई इज थ्रू द वे। अरे भैया जी किसी भी एम्प्लॉईज की परफॉर्मेंस को कैसे पता करोगे, किसी भी एम्प्लॉई के लिए बहुत बढ़िया, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ लिया है, क्या पता करना चाहते हो, परफॉर्मेंस देखना चाहते हो किसी भी एम्प्लॉयज की, किस वे में देखोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे, उसमें परफॉर्मेंस एप्रेशियल टाइटल देखोगे, रिवार्ड्स देखोगे, एप्रिसिएशन करोगे, क्या करोगे डियर, जल्दी से कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए डियर जो इस लाइव सेशन से जुड़ चुका है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा। अगर कमेंट नहीं करते हो तो फिर क्या नहीं होता है, दिल गदगद नहीं होता है। लेकिन जब तक आपका कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चलता जाएगा मेरी जबान चलती जाएगी, और जब तक जबान चलेगी बहुत अच्छे अच्छे रेशनल निकाल के लाऊंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। क्योंकि इस बार अपन ने पढ़ लिया है नॉर्सेट, नॉर्सेट और नॉर्सेट, तो नॉर्सेट के लिए जी जान लगा देंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे। कोई भी कुछ भी कारण हो जाए, क्लासेज आपकी कंटिन्यू चल रही है, आपको पता ही होगा। बहुत बढ़िया, यहां क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉय के लिए अगर परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन का बेस्ट मेथड क्या रहेगा, परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन टाइटल। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया जी आप अच्छा काम करते हो नहीं करते हो, या आपने मैंने पूछा कि क्या करते हो, सर मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैंने पूछा भैया पढ़ाई कितनी कर, अरे जबरदस्त चल रही है सर 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, अरे भैया 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हो तो नॉर्सेट का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। आपने अगर 12 घंटे पढ़ाई की तो नॉर्सेट के परिणाम में पता चल जाएगा। यही काम क्या होता है, बॉस आकर के आपके कर्मचारी से पूछता है क्या किया तुमने, सर मैं तो पिछले 2 दिन से छुट्टी पे घर ही नहीं गया, मैं तो यहीं बैठ के काम कर रहा हूं। उसने बोला बेटा बता किया क्या है, या तो बेटा है बता तूने काम किया क्या है। और अगर वो लिस्ट निकाल के लाता है कि सर मैंने ये पुराना वर्क कंप्लीट कर दिया, मैंने ये चीजें कर दी वो चीजें कर दी, इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा, अगर ये चीजें करके दिखा दी उसने, इसका मतलब उसका क्या हो रहा, परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन टाइटल, यानी जो आपने काम कंप्लीट किया है वो काम को प्रदर्शित करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊट पटांग काम नहीं करो, काम को सिस्टमेटिक वे में करो ताकि आपको पता चले। पहला बोल दिया सेल्फ असेसमेंट, अरे भैया जी उस एम्प्लॉय को बोल दोगे कि तू अच्छा, तो कोई एम्प्लॉय ऐसा बोलेगा
कहा कि नहीं सर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तो थोड़ा सा बुरा हूं, क्योंकि मैं तो क्या पान खाता हूं, गुटखा खाता हूं, जब आपके ऑफिस के बार में जो पूड़ी को थूक रखा है वो मैं ही थूकता हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सब खुद के दिमाग में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको क्या करो, आप उनका लेवल देखो कि उन्होंने काम किया कितना है, कैसे नहीं किया, तो सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा। रिवार्ड्स की कंडीशन बाद में आएगी कि आपने रिवार्ड्स के लिए काम किया या नहीं किया, और एप्रिसिएशन का मतलब उनको क्या करना, प्रोत्साहन राशि देना या प्रोत्साहित करना। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा डियर। क्वेश्चन है पूछा है परफॉर्मेंस नेगलिजेंसी, प्रोफेशनल नेगलिजेंसी इज ए लीगली टर्म। अरे भैया जी, प्रोफेशनल नेगलिजेंसी के बारे में पूछा है, कौन सी नेगलिजेंसी के बारे में पूछा है, क्या बोलोगे? प्रोफेशनल नेगलिजेंसी, नेगलिजेंसी का मतलब लापरवाही, नेगलिजेंसी का मतलब क्या होगा, लापरवाही। क्राइम बोलोगे, एसोल्ट बोलोगे, माल प्रैक्टिस बोलोगे, सिलेंडर बोलोगे, सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है डियर। अब कमेंट बॉक्स नहीं रुकना चाहिए, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ताकि कभी आप खुद को कॉन्फिडेंट कर पाओगे, और अपन एक अच्छे प्लेटफॉर्म से इसीलिए जुड़े हैं ताकि खुद को क्या कर पाए, कॉन्फिडेंट कर पाए। बहुत बढ़िया, क्या जवाब जाएगा, माल प्रैक्टिस। याद रखिएगा दोस्तों, माल प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, अपन ने गलत काम कर दिया और उसके कारण मरीज का नुकसान हो गया, तो वह कंडीशन कहलाती है माल प्रैक्टिस। यानी एक नर्सिंग स्टाफ अपनी दायरे को छोड़ करके अगर कोई ऐसा काम कर देता है जिसके कारण मरीज को हर्जाना भुगतना पड़ जाए, उसकी जान से हाथ धोना पड़ जाए, तो वो कंडीशन माल प्रैक्टिस। और नेगलिजेंसी का मतलब हाई आई गलती से मिस्टेक हो गई, तारक मेहता की बावरी याद होगी, क्या हो गया, हाई आई गलती से मिस्टेक हो गई, यानी जो काम करना था वो वैसे नहीं कर पा करके थोड़ी सी गलती कर दी। यानी अगर कोई इंजेक्शन आपको क्या लगाना था, इंट्रामस्कुलर लगाना था, आपने इंट्रावीनस लगा दिया, अगर इंट्रामस्कुलर लगने वाला इंजेक्शन इंट्रावीनस लग जाता है, कंडीशन कहलाती है नेग्लिजेंसी। लेकिन अगर एग्जामिनर लिख देता है कि इंट्रामस्कुलर वाला इंट्रावीनस लगा दिया और जिसके कारण मरीज की जान चली गई, तो जवाब जाएगा माल प्रैक्टिस। अगर मरीज का नुकसान हो गया तो कंडीशन कहलाएगी माल प्रैक्टिस, और अगर काम ही गलत हुआ तो जवाब जाएगा नेग्लिजेंसी। दोनों चीज को अलग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर काम ही गलत हुआ है तो नेग्लिजेंसी। अगर मान लीजिए गरम गरम पानी से पेशेंट को नहला दिया, कोई बात नहीं, नहला दिया तो नहला दिया। यानी अगर मान लीजिएगा अभी मौसम चल रहा है, अभी मौसम के अंदर आपको कितना टेम्परेचर चाहिए पानी का, सर ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री फेरेनहाइट चाहिए, आपने 120 डिग्री फेरेनहाइट से किसी पेशेंट को क्या कर दिया, नहला दिया। अरे भैया जी, 120 डिग्री से नहला दिया, कोई बात नहीं, अगर पेशेंट को नहलाना, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी नेग्लिजेंसी। यानी नर्सिंग स्टाफ ने पानी टेम्परेचर नहीं देखा और नहला दिया। लेकिन अगर एग्जामिनर लिख देता है कि उसके कारण मरीज में बर्न हो गया, मरीज की चमड़ी जल गई, तो जवाब जाएगा माल प्रैक्टिस। मरीज का जहां जहां नुकसान होता है वहां कंडीशन जाएगी माल प्रैक्टिस, और अगर आपने गलती से गलती कर दी तो कंडीशन जाएगी नेग्लिजेंसी। पहला बोल दिया क्राइम, क्राइम का मतलब जानबूझ करके मरीज के साथ में गलत करना, जिसमें फेलनी वगैरह आएगा, याद होगा आप सभी को बताया था मैंने। एसोल्ट का मतलब क्या है, मरीज को डरा रहे हैं, मरीज को धमका रहे हैं, जैसे ही इंजेक्शन लगाने गए मरीज ने बोला नहीं लगाना, उसको बोला चुपचाप लगा ले वरना कमरे में बंद कर दूंगा, चुपचाप इंजेक्शन लगा ले वरना कमरे में बंद कर दूंगा, या खींच के 2-4 थप्पड़ लगा दूंगा, या तुझे मैं बांध दूंगा, तुझे हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। यानी उसको डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो। मरीज को डराना, मरीज को धमकाना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, एसोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, एसोल्ट कहलाती है। बहुत बढ़िया, नेग्लिजेंसी नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल, बहुत बढ़िया डियर शिखा गुप्ता, बहुत बढ़िया। एसोल्ट का मतलब डराना धमकाना, और सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, स्पीकिंग के द्वारा उसकी प्राइवेसी को भंग करना, स्पीकिंग के साथ में उसकी क्या कर रहे हो, इन्वेजन। इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी, यानी किसी भी मरीज के हानि पहुंचा रहे हो, और हानि कैसे पहुंचा रहे हो, आप बोल बोल करके, यानी किसी के लिए गलत। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पड़ोसी को एड्स हुआ था, और अगर वो आकर के आपसे, या एड्स नहीं हुआ था, एड्स जैसे कुछ गलती से गलती वाले काम कर लिए थे, और वो चला आया आपके पास में भागता भागता, अरे यार मैंने वो कर लिया था उसके कारण मुझे कहीं एड्स तो नहीं हो जाए, उसने ये बात आपको बताई थी, और आप शाम को बैठ करके गांव के चौबारे के बीच में बैठ करके हर एक आने जाने वाले व्यक्ति को बता रहे हो, पता है 3 नंबर वाले मरीज को क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, उसने मुझे बताया था। उस 3 नंबर घर वाले को क्या हो सकता है, पता है तुझे, उसको एड्स हो सकता है, उसने मुझे बताया था। यानी बोल बोल करके उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहे हो, उसके लिए गलत कमेंट कर रहे हो, ये कहलाएगा इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी। प्राइवेसी को खत्म करना और बोल करके करना, कंडीशन कहलाती है आपकी सिलेंडर। और अगर वहीं आप करके क्या करते हो, अगर ये कंडीशन होती है लेबाइल, लेबाइल का मतलब क्या होना, लिख करके करना,
वहीं पे आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे भैया मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, एक खत लिख दिया, खत के अंदर लिख लिया तीन नंबर घर वाले को एड्स 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 एड्स, ये अगर पर्चे बांटने शुरू कर दिए तो कंडीशन क्या कहलाएगी, लेबाइल कहलाएगी। और अगर आपने बोल बोल करके शुरू कर दिया, अरे सुरेंद्र नहीं सिलेंडर होगा, अरे भैया जी सिलेंडर होगा सुरेंद्र नहीं होगा, चले आगे, जी हाँ डियर, अब मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दूंगा कि आपको जिंदगी में नहीं भूल दूंगा। एग्जाम सेंटर में अगर तीन नंबर के घर वाला एड्स याद नहीं आ गया तो मेरी गारंटी दोस्तों याद आएगा, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि भूल ही नहीं सकते ऐसी चीज को। चलिएगा नेक्स्ट, आपसे क्या पूछ रहा है, स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द स्टोर सो दैट रिक्वायर मटेरियल इज अवेलेबल इन द वेन एवर नेसेसरी। अरे भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से, बहुत बढ़िया पवन धाकड़ लुगई वाली हरकत, क्या बात है, इमोजी की मौज कर रहे हो बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, आज के सब्जेक्ट को बहुत शानदार बना दूंगा, चिंता मत करो। स्टॉकिंग एडिक्वेट होना चाहिए, नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द स्टोर सो दैट द रिक्वायर मटेरियल अवेलेबल वेन एवर नेसेसरी। अरे भैया जी आपको बोल रहा है जो चीजों की आपको आवश्यकता है उनका स्टॉक करके रखो, जिन चीजों की आपको आवश्यकता है उन चीजों का पहले से स्टॉक करके रखना क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट कहलाओगे, प्रोस्क्योरमेंट बोलोगे, स्टोरेज बोलोगे, या इन्वेंट्री कंट्रोल बोलोगे। सादा सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूं, आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं और एम्स दिल्ली की इमरजेंसी ट्रॉमा ड्यूटी कर रहे हो, जी हाँ एम्स दिल्ली के अंदर ट्रॉमा सेंटर में आप ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान आपको पता है कि एम्स में कभी भी मास कैजुअलिटी आ सकती है, मास कैजुअलिटी का मतलब भारी भरकम क्या आ सकते हैं, मरीज आ सकते हैं, जैसे कि बस पलट गई, ट्रेन पलट गई, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कोई भी मरीज, कोई भी कैसी भी कंडीशन, कार में आग लग गई, दो कारों में टक्कर हो गई, यानी 5 से 10 पेशेंट आ सकते हैं। अब आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो और आपके पास में आरएल की बोतल कितनी है भैया जी, एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आप आरएल की दो बोतल लेकर के बैठे बैठे वेट कर रहे हो, कब तो मरीज आएगा और कब उसको आरएल लगाएंगे, पहले एक लगाएंगे फिर दूसरी लगाएंगे, जब तक नहीं मंगा लेंगे। अरे भैया अगर ये सोच करके बैठे हो और 10 पेशेंट एक साथ में आ गया फिर उनके क्या करोगे, उनको बूंद बूंद पिलाओगे क्या, नहीं। अब क्या होना चाहिए, अगर आप ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे हो जिन चीजों की, यानी जो वाइटल आपका सब्सटेंस होता है या जो वाइटल डिमांड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्या करनी है आपको, मंगा करके स्टॉक पूरा करना है, यानी वाइटल आपको क्या करना है, कंप्लीट करने। वाइटल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लिए कि अगर आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो आपको क्या चाहिए, इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो आपके पास में कैनुला होना चाहिए, आपके पास में ऑक्सीजन होनी चाहिए, आपके साथ में फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी चाहिए, आपके पास में बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आपके पास में ग्लूकोमीटर, आपके पास में स्टेथोस्कोप, आपके पास में ब्लीडिंग को रोकने वाले सारे ड्रेसिंग वाली चीजें होनी चाहिए, आपके पास में इमरजेंसी किट होना चाहिए। इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो इमरजेंसी किट होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि जब इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो इन चीजों के बिना सर्वाइव करोगे नहीं, तो इनका क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पहले स्टॉक करके रखो, और स्टॉक करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंटरी कंट्रोल। स्टॉक करके ही रखना क्या कहलाता है, इन्वेंटरी कंट्रोल। तो याद रखिएगा इन्वेंटरी कंट्रोल, जी हाँ एबीसी होता है दोस्तों, कौन सा होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक होता है एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक आपका इसके बाद में और कौन सा देखने को, हाई कॉस्ट मिडल कॉस्ट और लो कॉस्ट नाम से भी फेमस है, एक होता है फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग नाम से भी फेमस है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये मैंने क्या बता दिया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज लिख लेना अगर याद नहीं रहता है तो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दूसरा क्या बता दिया, हाई कॉस्ट मिडल कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट, और लास्ट में क्या बता दिया, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ वाइटल असेंशियल डिजायरेबल, वाइटल असेंशियल डिजायरेबल, वाइटल यानी इनके बिना नहीं रह सकते, असेंशियल का मतलब जरूरी है, असेंशियल और लास्ट में डिजायरेबल, ये देख लेना दोस्तों जितनी चीजें लिखी है यहां से आपको पूछा हुआ 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर फुल फॉर्म ही पूछी थी और फुल फॉर्म पूछे तो गलत मत कर देना। ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब क्या है, ऑलवेज वाली चीजें यानी जो जो हाई कंसंट्रेशन हाई पावर वाली, ऑलवेज के अंदर वो चीजें आएगी जिनकी क्या होगी लिमिटेशन, यानी जरूरत कम पड़ती है लेकिन बहुत महंगी आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेमडेसिविर, रेमडेसिविर को खुले में रखोगे या बंद अलमारी में रखोगे, सर बंद अलमारी में रखेंगे और इतना बड़ा ताला लगा करके रखेंगे कि कुछ चुरा नहीं पाए, ये ऑलवेज में
जाएगा नेक्स्ट कौन सी चीज लिखी हुई है, ऑलवेज, चलिएगा ये ऑलवेज में जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटर, बेटर का मतलब जितनी कॉस्ट है और उतनी जरूरत है। फॉर एग्जांपल के लिए डाइक्लो का इंजेक्शन हो गया, पैरासिटामोल का इंजेक्शन हो गया, सेप्ट्रेक्जोन का इंजेक्शन हो गया, उनको कहाँ रखोगे, यानी बेटर कंडीशन में रखेंगे, यानी इनको अलमारी में रखेंगे लेकिन लॉक नहीं लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो काम ले लेंगे। लास्ट में लिखा कंट्रोल, यानी चीज क्या होगी, बहुत सस्ती होगी और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी नॉर्मल सलाइन की बोतल, क्या भैया नॉर्मल सलाइन की बोतल कहाँ रखोगे, कहीं रख देंगे, कोई डर वाली बात नहीं, बहुत सस्ती आती है और बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसको कहाँ रख सकते हो, कहीं रख सकते हो। तो ये इनकी कंडीशन बनाई गई, हाई कॉस्ट वाली, महंगी वाली और ज्यादा प्राइवेसी में रखेंगे, मिडिल कॉस्ट और लो कॉस्ट। यहाँ बता दिया वाइटल, वाइटल का मतलब जिन चीज के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मैराथन के बारे में बता दीजिए, मुझे चाहिए था। लक्ष्मी यादव, कौन सा मैराथन, मैराथन का आपका क्लासेज होगा, कौन सा मैराथन चाहिए आपको। चलिएगा, क्रैश कोर्स मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, मैराथन मिल नहीं रहा है, मैराथन तो लेना पड़ेगा। वाइटल का मतलब जिनके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो वाइटल वाली चीज़ें अभी मैंने बता दिया। इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान अगर आपके पास में इमरजेंसी किट नहीं है, उसके बिना सर्वाइव पॉसिबल ही नहीं। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका वाइटल के बाद में, चलिएगा कहाँ लिख दिए ये देखिएगा। अगर आपसे बता दिया वाइटल, वाइटल के बाद में असेंशियल, यानी जिन चीज़ों की जरूरत है लेकिन कुछ दिनों के लिए अपन क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लास्ट में डिजायरेबल, यानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी काम चलेगा। फास्ट मूविंग ज्यादा काम आती है, स्लो मूविंग यानी जिनका कम काम रहता है, और नॉन मूविंग का मतलब जो बिल्कुल ही यूज नहीं होता, ये आपका इन्वेंटरी कंट्रोल है। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। नॉर्सेट के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, उत्कर्ष का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप खरीद पाओगे। डियर लक्ष्मी यादव, यहां से खरीद सकते हो, वरना नीचे अभी आपके एक स्लाइड में लाइन चल रही है, उसके अंदर टोल फ्री नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट करके सारी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस एप्रेशियल इफ हेड नर्स कमिटेड एन एरर इज कॉल्ड। अरे भैया जी, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एप्रेशियल, अरे परफॉर्मेंस एप्रेशियल के दौरान अगर क्या कर दिया, एरर के बारे में बता दिया हेड नर्स ने, क्या बोलोगे, हॉर्न इफेक्ट बोलोगे, हेलो बोलोगे, पैड कंपैरिजन बोलोगे, सेंट्रल टेंडेंसी बोलोगे, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा, क्या जवाब जाएगा, हेलो जाएगा, हॉर्न जाएगा, हेलो जाएगा, हॉर्न जाएगा। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना है, थोड़ा सब्र कीजिएगा। और दोस्तों, इस बार रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, मेरी गारंटी है आज पढ़ लोगे एग्जाम में सीधा याद आ जाएगा। अभी आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, एक बार इसको देख लिया तो एग्जाम में जरूर याद आ जाएगा। एक कंडीशन होती है हेलो इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है आपका हॉर्न इफेक्ट, एक आपका होता है सेंट्रल इफेक्ट, और कौन सा देखने को मिलता है, रिकेंसी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका कौन सा देखने को मिलेगा, सनफ्लावर इफेक्ट देखने को मिलेगा, सनफ्लावर इफेक्ट। ये अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं, एक ही एग्जाम्पल को पकड़ूंगा और सब में फिट करूंगा। डियर मेरी बात सुनिएगा, आपके फोर्थ ईयर का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, फोर्थ ईयर के प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, एग्जामिनर आया और एग्जामिनर आकर के आपको नंबर, एग्जाम का नंबर देख लेना, नंबर कितने का चल रहा है आपका, पाइवा चलेगा 100 नंबर का, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। अगर एग्जामिनर आकर के आपको 100 की जगह कम दे देता है, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, आपने 10 के 10 जवाब दे दिए, लेकिन उसने फिर भी नंबर क्या दे दिए आपको, कम दे दिए, नंबर क्या कर दिए आपको, कम दे दिए, जितना देना था उससे नंबर कम दे दिए, यानी कंडीशन क्या कहलाएगी, हॉर्न इफेक्ट दिखा दिया। अगर आपको 100 नंबर का पेपर था और आपने कितने बताए, 50 नंबर के क्वेश्चन बताए, फिर भी उसने आपको 80-90 नंबर दे दिए, यानी जरूरत से ज्यादा दे दिए, कंडीशन बोल रहा है हॉर्न इफेक्ट प्रदर्शित हो रहा है, कौन सा हो रहा है, सॉरी हेलो इफेक्ट प्रदर्शित हो रहा है। हॉर्न का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज, हॉर्न का मतलब क्या है, जितने देने थे उससे कम दे दिए और जितने देने थे उससे ज्यादा दे दिए, मतलब हेलो इफेक्ट। ध्यान से मेरी बात को समझेगा, एग्जामिनर को नंबर कितने मान लीजिएगा, आपने 10 क्वेश्चन का जवाब दिया, कितने क्वेश्चन का जवाब दिया, 10 क्वेश्चन का जवाब पूरा का पूरा सही दे दिया, इसका मतलब आपको डंके नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसने नंबर क्या दे दिए, नंबर दे दिए 5 क्वेश्चन के अनुसार कम दिया, इसका मतलब हॉर्न इफेक्ट प्रदर्शित कर दिया। जितने नंबर देने थे उससे नंबर क्या दे दिए, मान लीजिएगा आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दिया, 5 क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन एग्जामिनर आप पे खुश होकर के 7-8 नंबर वाले जैसे नंबर देकर जा रहा है, यानी इफेक्ट ज्यादा दर्शित कर रहा है, हेलो कहलाया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल कंडीशन के अंदर, यानी सबको ऑन एंड एवरेज नंबर दे रहा है, यहां क्या हो रहा है, एवरेज नंबर दे रहा है,
यहाँ क्या हो रहा है, एवरेज नंबर पकड़ा दिए, यानी क्लास के अंदर 70 बच्चे थे और 70 के 70 बच्चों को एवरेज नंबर टिका दिए, यानी 70 से लेकर के 75 सबको दे दिया, यानी ना तो ज़्यादा दिया ना कम दिया, ना तो ज़्यादा दिया और ना कम दिया, सबको क्या कर दिया, ओन एंड एवरेज नंबर दे दिए। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सेंट्रल कहलाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिकेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगी रिकेंसी। रिकेंसी का एग्जाम्पल सुनिएगा, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 4 साल तक अपनी कॉलेज के टॉपर रह चुके हो, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज के अंदर टाइम से बोले तो 9 बजे का टाइम था लेकिन 8:30 बजे जाते थे, 9 बजे का टाइम था लेकिन 8:30 बजे पहुंच जाते थे, ऊपर वाला बटन बंद रखे थे, स्लीव्स को क्या कर रखे था, पूरी की पूरी क्लोज रखते थे, शर्ट इन करके रखते थे, गले में आईडी कार्ड पहन के जाते थे, एप्रिन पहन के जाते थे, यहां तक एप्रिन का बटन कभी नहीं खुला, क्लास का होमवर्क कंप्लीट, क्लास के टेस्ट में आप सबसे फर्स्ट, एग्जामिनर या कोई भी टीचर के पूछे हुए हर एक का जवाब बहुत अच्छे से देना, यानी वेल सेटल या वेल कंडीशन वाला जो स्टूडेंट होता है। और आप 2-3 बार तो सम्मानित भी हो चुके हो अपने स्कूल के अंदर किसके रूप में, सॉरी आपकी कॉलेज अंदर किसके रूप में, कि ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले कंडीशन में, लेकिन भगवान क्या करे, लेकिन कभी ना कभी बुरा कर देता है। मान लीजिएगा कि प्रैक्टिकल की डेट थी 4 तारीख, लेकिन 1 तारीख को किसी कारण से कॉलेज गए और कॉलेज के अंदर जाने के दौरान प्रिंसिपल के साथ में झगड़ा हो गया, कॉलेज को 4 तारीख को प्रैक्टिकल और 1 तारीख को टीचर प्रिंसिपल के साथ में आपकी मारपीट हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, तो अब 1 तारीख को हाथापाई हो गई तो 4 तारीख को तो बेटा परिणाम क्या देखने को मिलेंगे, हाथों हाथ की रिसेंट कंडीशन का परिणाम अगर प्रैक्टिकल में भुगतना मिल जाए तो यह कंडीशन कहलाएगी रिकेंसी, यानी इसको क्या बोलोगे, रीसेंट। रीसेंट कोई भी इवेंट या रीसेंट ट्रोमा के कारण इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, अपोजिट या डिक्रीज देखने को मिलेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर 1 तारीख को प्रिंसिपल के साथ में आपने हाथापाई कर दी, बहुत बढ़िया, अगर 1 तारीख को प्रिंसिपल के साथ में हाथापाई कर दी डियर, तो उसका परिणाम कहां देखने को मिलेगा, उसने यही बोला है, उसने तो यही बोला है कि क्या हो गया बेटा जी आ जाना तू 4 तारीख को, तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट पहली बार पढ़ा है इसीलिए बोल रहे हैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाएंगे दोस्तों, रटने का कंसेप्ट मेरे जीवन में ही नहीं है, आपको भी नहीं सिखाऊंगा। रिकेंसी का मतलब उसने क्या बोला, कोई नहीं आज तूने मुझे 2 थप्पड़ कस दिए लेकिन 4 तारीख को प्रैक्टिकल सीट में ऐसा थप्पड़ कसूंगा कि तू मुझे जिंदगी में नहीं भूलेगा, और उसका परिणाम आपको क्या देखने को मिला, प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कितने दे दिए, 25 देने कितने थे, अच्छे जवाब दिए, लेकिन उसका भुगतान कहां करना पड़ गया, प्रैक्टिकल में, ये रिकेंसी कहलाया। और लास्ट में लिखा है सनफ्लावर, अरे भैया जी सनफ्लावर का मतलब क्या हो गया, कमेंट के बताएगा, सनफ्लावर का मतलब क्या हो गया, सूरजमुखी का फूल, और सूरजमुखी का फूल कैसे खिलता है, खुल रहा है, अरे खुल करके खिल रहा है। अरे इसी प्रकार से बोले तो एक ऐसा एग्जामिनर आ गया, उसने एक्सटर्नल ने क्या बोला कि सारे के सारे बेटा मौज करो, सबको नंबर दे दो 95 से लेकर के 100 के बीच में, यानी एक भी खराब नहीं, किसी का वाइवा तक नहीं लिया, किसी से क्वेश्चन नहीं तक पूछा, और क्या दे दिया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नंबर दे करके, यानी इसमें क्या बोलोगे, सुपर इफेक्टिव रिजल्ट अगर देखने को मिल जाए तो कंडीशन कहलाएगी सनफ्लावर। यानी आप लोगों भी उम्मीद कर रहे हो कि सर नॉर्सेट का पेपर देने जाऊं, 50 क्वेश्चन करके आऊं, लेकिन एम्स दिल्ली रिजल्ट में निकाले यू आर द टॉपर ऑफ द एम्स दिल्ली 2021, यानी वो रिजल्ट कहलाएगा सनफ्लावर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा जी, पढ़ना पड़ेगा। अब यहां रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हेड नर्स ने कमिटेड एरर, और एरर के कारण जवाब तो जाता रिकेंसी, लेकिन रिकेंसी नहीं है तो जवाब क्या जाएगा, हॉर्न इफेक्ट चला जाएगा, फिर जवाब क्या चला जाएगा, कम वाला हॉर्न इफेक्ट। चलें आगे, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब बोले तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सिलेक्शन के पथ की तरफ। सुनील लिखा बहुत अच्छा था बेटा, डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे कर दी, बोले तो नेगेटिव डायरेक्शन कर दी आपने, क्या बात है, आज तो इमोजी मेरी जिंदगी में नहीं मेरी पूरी लाइफ में मैंने रिसर्च की क्लास में इतने इमोजी नहीं देखे थे कहीं पर भी, मेरे पढ़ने के दौरान भी नहीं देखे थे, मेरे पढ़ाने के दौरान भी नहीं देखे थे, दिल खुश कर दिया दोस्तों, इसका मतलब आपके रिसर्च मैनेजमेंट बैठने लगी है, इनसे भी आपकी दोस्ती होने लगी है, चलेगा जी हाँ। सोनी पवार आपका क्या कमेंट है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ देना जो अभी आपका क्या है, सर मैंने भी लिया है 1500 का एमसीक्यू, जो भी आपका कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, नहीं टोल फ्री के अंदर कांटेक्ट करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो डियर, क्या पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है द फिनोमिना ऑफ द नर्स रेस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट एंड द पोल डिसीजन अबाउट द हेल्थ एंड हेल्थ केयर इज कॉल्ड,
अरे भैया जी, मरीज और मरीज का, अरे मरीज और मरीज की भावनाओं की कदर करना नर्स की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मरीज और मरीज की भावनाओं की। अरे सोनी पवार बेटा, कॉन्टेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर पे, नहीं तो क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना, मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज कमेंट को अभी क्लास को कैरी ऑन करें। अरे मरीज की बात की रेस्पेक्ट करना, मैंने क्या बताया था, ऑटोनोमी, अरे ह्यूमन डिजिनिटी नहीं जाएगा। अरे यहां मरीज की भावनाओं की कदर करना है, उसने बोल दिया इलाज नहीं लेना तो नहीं लेना, मरीज ने एक बार बोले तो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाली बात है। तो यहां जवाब ऑटोनोमी जाएगा, डियर आप ह्यूमन डिजिनिटी क्यों दे रहे हो, आप ह्यूमन डिजिनिटी क्यों दे रहे हो, जवाब जाएगा ऑटोनोमी। क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा फिनोमिना नर्स रेस्पेक्ट द पेशेंट राइट, अरे भैया जी पेशेंट के राइट यानी पेशेंट के अधिकार की बात हो रही है, और मरीज के जहां जहां अधिकार की बात आती है, मरीज का अधिकार यही है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। समझ में आ गया, कंडीशन क्या होगी, ऑटोनॉमी, एट्रो नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगा, ह्यूमन डिजनिटी नहीं होगा। ह्यूमन डिजनिटी का मतलब इंसानियत दिखाना, यानी आई एम धीरे धीरे लगाना, आई वी धीरे धीरे लगाना, कन्वेंस करके इंजेक्शन लगाना, यह इंसानियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीईडी अभी बता दिया था, एक सेकंड के अंदर जवाब आ जाना चाहिए। वीईडी का मतलब क्या हो गया, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, सारे एग्जांपल भी दे दिए थे, राइट आंसर सी जाएगा। चलूं आगे, चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, हु इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, कमेंट फास्ट ईयर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन रहेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, आज मुझे लगता है आप इमोजी को तो नहीं रोकोगे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या बोल दिया, कौन है फादर, पिताजी कौन है साइंटिफिक के, जवाब क्या जाएगा, अरे कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक कमेंट नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो नहीं करोगे, खुद को कॉन्फिडेंट और जुड़े हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए, इतना ज्यादा भरपूर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना, मैं हमेशा कनेक्ट का ही बोलता हूं, मैक्सिमम बच्चे तक शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि रिसर्च से डरने का नहीं, रिसर्च से तो सीखेंगे, रिसर्च का तो सामना करेंगे, मैनेजमेंट को समझेंगे, और इन ये तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं था, आज पता चला इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भैया जी साइंटिफिक कौन जाएगा, फ्रेडरिक विल्सन टैनर, राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हेवर्टन एक्सपेरिमेंट वाज द कंडक्टेड बाय, पूछा हुआ क्वेश्चन है नॉर्सेट 2020, इंपॉर्टेंट ये ले लीजिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है आपका, हेवर्टन इफेक्ट के बारे में पूछा है। भैया जी हेवर्टन या एक्सपीरियंस या हेवर्टन इफेक्ट के बारे में जानकारी किसने दी थी, आपका पहला बोल रहे एडवर्ड डेमिंग ने दी थी, अल्टोन मायो ने दी, हेनरी फोर्ड ने दी थी, या फ्रेडरिक विल्सन टैनर ने दी थी, किसने दी थी भैया जी, किसने बताया था, जल्दी से। बी जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, हेवर्टन इफेक्ट के बारे में जानकारी किसने दी थी, अल्टोन मायो ने। अब मैं आपको हेवर्टन इफेक्ट बताने जा रहा हूं, इसी को बोला जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। इसी को क्या बोलोगे, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। बहुत अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूं, रुकना नहीं है, समझना है चीज को। अब हेवर्टन इफेक्ट का सादा सिंपल सा मतलब यह होता है कि काम के दौरान अपने को कोई भी ऑब्जर्व करेगा उस टाइम काम अच्छा करेंगे। यानी अगर मैंने आपसे देखा कि मान लीजिएगा आप क्या हो, एक नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स दिल्ली के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, एम्स जोधपुर के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन ड्यूटी के नाम पर क्या कर रहे हो, सिर्फ काम चोरियां कर रहे हो, बोले तो जैसे ही ऐसा उन्होंने बोला सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने कि वार्ड के अंदर आप जाकर के क्या करो, सेंसेस वगैरह चेक कर लो या कोई भी काम कर लो, ये जानकारी ले लो, वो जानकारी ले लो, यानी ने जो भी काम बोला आपने बोला यस सर, और जाकर के क्या कर दिया, पास वाले रूम के अंदर जो बेड पड़ा है उसके ऊपर बैठ गए, ना काम कर रहे हो ना जा रहे हो, लेकिन वहां बैठे हो, अचानक से आपको पता चला कि पीछे छाया नजर आ रही है, छाया एसएनओ की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट से खड़े होकर के कुछ काम किया और जैसे ही एसएनओ चला गया वापस से बैठ गए, ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, हेवर्टन इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल आपकी कॉलेज की लाइफ के अंदर ले जाता हूं, वापस से बोले तो बचपन से बचपन में ले जा रहा हूं आपको, बचपन के अंदर जब अपन कॉलेज की लाइफ के अंदर क्या कर रहे थे, कॉलेज के अंदर हु अल्लाह करते रहते थे, जब अपनी क्लास के अंदर ब्रेक चलता था कोई भी नहीं नजर आता था उस टाइम में हु अल्लाह करते रहते थे, कोई भी डर नहीं था, लेकिन अचानक से आहट आती थी कि कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर आपने को देखने आ गया, अचानक से कॉपी को खोला और कॉपी को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कौन सा इफेक्ट दर्शा रहे हो, हेवर्टन इफेक्ट दिखा रहे हो या ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी ये
मनुष्य की प्रजाति या क्या होती है, अपनी आदत होती है। और लास्ट में बेस्ट एग्जांपल आपके लिए यही रहेगा कि अपने बचपन, जी हाँ वापस से बचपन में चलना, अभी बोला था मैंने, बचपन में अपन प्रार्थना के अंदर बोले तो सुबह सुबह स्कूल में पहुंचते थे अपना पहला काम भगवान की प्रेयर करो, और प्रेयर बोले तो प्रेयर अपने को आज तक याद नहीं हुई तो उस टाइम क्या याद होगी, टीचर बोल देता था प्रेयर के लिए आ जाओ सारे बच्चे, आना जरूरी है। पहले तो कुछ दिन छुप करके काम चला लेते थे, प्रेयर में आते ही नहीं थे, कुछ समय बाद में अपन पकड़े गए तो प्रेयर में भी आना पड़ता था, यहां तक कि क्या होना था बीच में खड़ा कर देते थे अपने को और प्रेयर करो, अब प्रेयर तो आ नहीं रही है, जैसे ही दूसरे करते थे तो टीचर बोलता क्लोज योर आईज, आईज को क्लोज कर लेते, लेकिन बीच में से लट्टू की तरह कसम खा के बोलना कि कौन कौन ऐसा करता था, बीच में से लट्टू की तरह थोड़ी सी आंखों को खुली रखते थे और वहां से नजर घुमा करके देखते रहते थे कि कोई टीचर हमको देख तो नहीं रहा है, जब तक अपने को कोई नहीं देखता था अपन प्रेयर नहीं करते थे, और जैसे ही अपने को लगता था कि टीचर की, जी हां मार साहब की नजर पड़ गई अपने ऊपर, और टीचर की नजर पड़ती थी अपन लिप्स के मूवमेंट कराते थे, होठों को हिलाते रहते थे, यानी ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन अगर आप काम कर रहे हो, कंडीशन कहलाती है हेवर्टन इफेक्ट। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन क्या रहेगी, ओनली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, सिर्फ कब कर रहे हो, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, जब आपको कोई ऑब्जर्व करेगा तब आप काम करोगे, उसके अलावा आप नहीं करोगे। टीचर देखता तब अपन होठों को हिलाते थे, प्रेयर फिर भी नहीं आती थी लेकिन मूवमेंट जरूर कराते थे, जब भी कोई प्रिंसिपल नजर आता था तो कॉपी खोल कर पढ़ने को बैठ जाते थे। घर के अंदर भी यही होता है कि मोबाइल चलाते हैं लेकिन मम्मी पापा देखते हैं तो बाहर की तरफ कॉपी, अंदर की तरफ चैटिंग, इंस्टा चलता रहता था और क्या कर रहे थे, गॉसिप चलती रहती थी। ये वाली सारी कंडीशन क्या कहलाती है, अल्टोन मायो भाई साहब ने बताई थी, हेवर्टन इफेक्ट कहलाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। हेवर्टन इफेक्ट का मतलब कोई देखेगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। चलो आगे, अब भूलना मत जिंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या पूछा है, फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट। अरे भैया जी, फॉल्स का मतलब झूठा, आपने उम्र बता दी, लड़कियां उम्र छुपा रही है, बहुत बढ़िया। फॉल्स हार्मफुल रिटर्न, अरे भैया जी फॉल्स का मतलब झूठा, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, और रिटर्न का मतलब लिख कर रहे, बेइज्जती कर रहे हो। मैंने बताया था एक तो बोल करके बताना कि उसको एचआईवी, और एक लिख करके खत बांट रहे हो। अरे भैया जी लिख करके खत बांट रहे हो, कंडीशन क्या कहलाएगी भैया, लेबाइल कहलाएगी सर, ये याद रख लेना, लेबाइल, और लेबाइल से मतलब हो गया लिख करके करना, लेबाइल का मतलब क्या हो गया, लिख करके किसी की बेइज्जती करना या उसकी प्राइवेसी को खत्म करना। सिलेंडर का मतलब हो गया स्पीकिंग से करना, सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, स्पीकिंग से करना। टॉर्ट का मतलब क्या हो गया, उसके लिए गलत वर्ड काम में लेना, और फेलोनी का मतलब उसको मारने की कोशिश करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे, यह पूछ रहा है दोस्तों कहां हो गया, यह लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया डियर, क्या बात है, थोड़ा सा और मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कीजिएगा। जी हां लेबाइल लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़े से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कीजिएगा, फिर एग्जांपल और अच्छे अच्छे निकाल के लाऊंगा, मेरी गारंटी है। मैंने बोला था रटने का कंसेप्ट नहीं होगा, नहीं भूलोगे कभी, बहुत बढ़िया डियर। फेलोनी का मतलब होता है इंटेंशनल मर्डर, यानी जानबूझ करके मारना। चलिएगा चुन्नू मुन्नू, बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया आपने, फेलोनी का पूछा, यानी अपना कोई पड़ोसी है और पड़ोसी और अपनी कभी बनती नहीं है, पड़ोसी और अपनी कभी बनी नहीं है आज तक, बोले तो अपनी जमीन के लिए लड़ाई हो गई थी, मकान के लिए हो गई थी, घर के बाहर निकलने वाली नाली पानी के लिए लड़ाई हो गई थी, और अपन जानी दुश्मन है, लेकिन अभी क्या है, अपना नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं, और नर्सिंग ऑफिसर कहाँ लगे हुए हैं, एम्स दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं, और भगवान न करे लेकिन वो पड़ोसी कल को एडमिट होने कहाँ आ गया, वहाँ आ गया, उससे पहले आपने दो तीन बार उसको जानलेवा हमले कर दिए थे, बोले तो बेटा तुझे तो खत्म करूंगा कभी ना कभी, लेकिन आज मौका मिल गया कि आपके आईसीयू के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो, और उसी आईसीयू के अंदर आकर के आपका पड़ोसी एडमिट हो जाता है, आप अब उसको जानबूझ करके मारने की कोशिश करोगे कि हॉस्पिटल में मारे कैसे, चाकू लगा देंगे तो खुद मर जाएंगे, उस टाइम ने आपने क्या कर लिया, कैसीएल का इंजेक्शन ले लिया, बोले तो पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लिया और बोलस पुश कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड बोलस कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, कभी नहीं करते हैं, जान चली जाएगी, आपने 10 ml का इंजेक्शन भरा और भाई साहब को वेन में पुश कर दिया, और पुश करते ही भगवान को प्यारे हो गए आपके पड़ोसी, यानी जानबूझ करके इंटेंशनल मर्डर वाली जो कंडीशन आती है वो कहलाती है फेलोनी, अब भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, पोस्ट कोर्ब के बारे में पूछा है, भैया जी पोस्ट कोर्ब के अंदर ये पोस्ट कोर्ब क्या है, तो फंक्शन है दोस्तों किसके, मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर काउंट होगा। चलिएगा राइट आंसर आप सभी का आ गया, मान लूं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ऑप्शन जो आपने बोला है मान लूं। चलिएगा पी का मतलब होगा प्लानिंग, ओ का मतलब क्या होगा ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया। भैया जी यही जवाब
जवाब जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दो लैंग्वेज का बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक तो जैसे मैंने आपको दे रखा है, एग्जामिनर भी आपसे यही पूछ लेगा, अगर जैसा मैंने पूछा है वैसा ही एग्जामिनर पूछ ले, ऐसा नहीं पूछेगा तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऊपर लिख देगा पोस्ट कोर्ब और आपको इंडिकेट करेगा पोस्ट कोर्ब इंडिकेट एस तो जवाब देना स्टॉपिंग, पोस्ट कोर्ब इंडिकेट डी तो जवाब देना डायरेक्टिंग, ओ तो ऑर्गेनाइजिंग, पी तो प्लानिंग, ये सारी चीजें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला कौन सा वर्ड आता है पूछा हुआ है, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी तो जवाब देना है साहब प्लानिंग आएगी, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी तो जवाब देकर के आ जाना सर सबसे पहले क्या आएगी प्लानिंग आएगी। चलूं आगे डियर जी, हाँ बहुत बढ़िया लेस मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, द मेथड ऑफ द सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइन बिफोर स्टार्टिंग ए वर्क इज द नाउन एज। अरे भैया जी, किसी काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, जी हाँ कैसीएल, हाई अलर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, कार्डियक मॉनिटर करना है, स्लो देना है, डिजोल्व करना है, 1:10 के साथ में बोले तो 9 ml नॉर्मल सलाइन, 1 ml आपको कैसीएल लेना है और धीरे धीरे देना है, वरना क्या हो जाएगा, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा पंकज जी, ने किसके कंपोनेंट पूछ रहे हो, अब इसका जवाब दीजिएगा। आपसे पूछा है मेथड ऑफ द सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइन बिफोर स्टार्टिंग ए वर्क, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला कौन सा लोगे, तो काम की शुरुआत से पहले प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए, राइट आंसर ए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोले तो आप बोल रहे थे सर चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी नहीं आई, और फिर आपके नॉर्सेट नाम की चिट्ठी आ गई, जी हाँ बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, किसकी आई है, नॉर्सेट 2021 की चिट्ठी चली आई, जैसे ही आ गई अपन हिल उठे, उसके बाद में बोला कि नर्सिंग ऑफिसर तो बनना है, उसके अलावा कोई भी मंजूर नहीं है, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपके पास में आपने क्या तैयार कर दी, प्लानिंग तैयार कर दी कि 14 घंटे की पढ़ाई करेंगे, 4 घंटे तो यूट्यूब की क्लास देखेंगे, 4 घंटे नोट्स को पढ़ेंगे और 4 घंटे अपने क्वेश्चन सेशन को देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए क्या थी, प्लानिंग थी, ये आपके लिए क्या था, प्लानिंग थी, याद रखिएगा। तो यहां प्लानिंग सबसे पहले लेनी है, दूसरी चीजें बाद में लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक सिखा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पर्पज ऑफ द कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग इज द, अरे भैया जी स्टाफ की ट्रेनिंग क्यों करवाना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो स्टाफ की ट्रेनिंग, मिस्टर सुग्रीव चौहान सिखा देंगे, एलिमिनेशन टेक्निक सिखा देंगे, क्यों कर रहे हो चिंता, एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे, 14 तारीख के आसपास आने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, बिना प्लानिंग के कूद जाओगे तो डूब जाओगे, जवाब दीजिएगा। पढ़ लिया, फिर भी मैंने पढ़ लिया बेटा, तूने डिलीट किया जितेंद्र, फिर भी पढ़ लिया। पर्पज ऑफ द कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग क्यों करवाना चाहते हो, तो पहला बोल रहा है इंप्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ द वर्क, जी हाँ क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, दूसरा बोल रहा है स्टाफ का मोरल, इंप्रूव द स्टाफ मोरल स्टाफ, जी हाँ, तीसरा बोल रहा है हेल्प टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी जब आप उसको ट्रेंड करोगे। अरे भैया जी ट्रेनिंग दोगे तो सारी चीजें इंप्रूव हुई या नहीं हो गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, अरे भैया जी आपसे पूछा है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसान की मदद लेना है डेवलपमेंट के लिए, क्लोजली का मतलब बंद नहीं, पास किसके साथ में होगी, भैया जी इंसानों की मदद ले रहे हो किसी भी काम के लिए, क्या बोला जाएगा जल्दी से दे दीजिएगा कमेंट, ताकि मेरा भी दिल हो जाए गार्डन। पहला बोल दिया बजटिंग होगा, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, प्लानिंग होगी, बहुत बढ़िया, क्या जवाब जाएगा, जब इंसानों की बात आ गई, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आ गई, तो जवाब क्या चला जाएगा, स्टाफिंग, यानी स्टाफ बढ़ेगा यानी मैन पावर बढ़ेगा, स्टाफ बढ़ेगा इसका मतलब कौन सा पावर बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगा, और मैन पावर बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। अरे भैया जी बजटिंग में क्या होगा, तो बजटिंग के अंदर बजट बढ़ेगा बोले तो मनी बढ़ेगी, पैसा सबसे बड़ा रुपया, पैसा बढ़ेगा, लेकिन काम में पैसा लेकर के भी काम वाले लाने पड़ेंगे, स्टाफ की जरूरत रहेगी, हाँ बजट होगा तो स्टाफ ले आएंगे। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, दिशा निर्देश देना, तुम यहां काम करो। एक वो मूवी के अंदर हीरो के अंदर डायलॉग होते ना, आधे इधर चले जाओ, आधे मेरे पीछे आ जाओ, फिर पता चलता है मेरे पीछे आने वाले ही नहीं बचे, वो वाली बात है, आधे इधर चले जाओ, ये बात किस में आएगी, डायरेक्टिंग में आएगी। और लास्ट क्या बोल दिया, प्लानिंग तो सबसे पहले करनी है। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द बजटिंग टर्म द सोर्स ऑफ द इनकम इज द नॉन एज, अरे भैया जी बजटिंग नाम का यह शब्द है, यह कौन सा किस शब्द का सोर्स है, ये बजटिंग नाम का वर्ड है, कौन किस चीज का सोर्स रहेगा,
कैपिटेशन बोलोगे, रिवेन्यू बोलोगे, बजट बोलोगे या प्रॉफिट सोर्स बोलोगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं जिन बच्चों को रिसर्च मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से डर था, आज अगर उनको अथक प्यार नहीं करवा दिया इस सब्जेक्ट से तो मेरी गारंटी है इतना ईजी करके समझाऊंगा इस सब्जेक्ट और वही पॉइंट डील करूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं। अननेसेसरी एक वर्ड भी नहीं रोका जाएगा, जहां एग्जाम्पल दिया जाएगा यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है और जहां क्वेश्चन बनेगा वहीं एग्जाम्पल देंगे, वरना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। डियर जवाब दीजिएगा क्या बोलोगे उसको। मैक्सिमम बच्चों के सी जवाब आ रहे हैं, भैया जी सी जवाब आ रहा है इसका मतलब गई 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 भैंस पानी में। भैया जी भैंस को उठाओ बाहर लाओ वापस से, भैंस को पानी में मत डूबने दो। डियर आधे बच्चों की भैंस डूब गई है और बच्चों की डूबने जा रही है, ये जा रही है ये भैंस पानी में गई 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 भैया गई। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा बजटिंग के अंदर वापस से लाना शुरू कर दिया, जैसे ही आपको इशारा कर देता हूं आपको पता चल जाता है बजटिंग नाम का ये शब्द है, ये कहां से लिया गया है, रीवेन्यू से लिया गया है, याद रख लेना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इसका शब्द कहां से लिया गया, रीवेन्यू से लिया गया, याद रख लेना। एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, इससे मैच नहीं खाएगा लेकिन आपको याद रखना। अगर आप घर वालों को बोलोगे किसी भी चीज़ के लिए, आपने आज तक घर वालों को ये बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, आप जाकर के क्या बोलते हो कि ये चीज़ खराब हो गई है इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए। यानी अगर आपने बोला क्या हुआ कि घर वालों को मम्मा पापा मुझे नए कपड़े चाहिए नहीं, आप बोलते हो पुराने कपड़े फट गए हैं इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। आपने ये नहीं बोला कि पड़ोसी ने नई ड्रेस ले ली मुझे भी चाहिए, आप ये बोलते हो कि मेरे पुराने कपड़े फट गए हैं मुझे नए कपड़े चाहिए, मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया है मुझे नया मोबाइल चाहिए, मेरी वो चीज़ खराब हो गई मुझे नई चीज चाहिए, मेरा पेन खत्म हो गया मुझे नया पेन चाहिए, ये वाली चीजें बोलते हो तो ये चीजें क्या कहलाती है, रीवेन्यू। उसको क्या कर रहे हो, री यानी वापस से नया कर रहे हो। ये बजटिंग का मतलब बजट नहीं होता है डियर, प्रॉफिट सोर्स का मतलब यानी फायदे वाली चीजें और कैपिटेशन का मतलब यहां नहीं होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एक सेकंड के अंदर जवाब आ जाना चाहिए डियर, यहां मैं नहीं रुकूंगा इस क्वेश्चन में नहीं रुकूंगा, मात्र आपके पास में 3 से 4 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है बीएससी नर्सिंग डिग्री के लिए एज ग्रुप कितना चाहिए, बीएससी नर्सिंग डिग्री के लिए एज ग्रुप कितना चाहिए, जल्दी से चाहिए सर, क्या चाहिए, ड्रेस चाहिए, दिलवा देंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या जवाब जाएगा इसका, अभी तक जवाब सी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या आएगा, सी किसने दे दिया है, बहुत बढ़िया बोला दिया, फिर भी राइट आंसर क्या जाएगा, बी 17 ईयर, याद रख लेना दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लिए एज ग्रुप क्या है, 17 ईयर। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ बीएससी नर्सिंग आया कब, जल्दी से कमेंट करके बताओ बीएससी नर्सिंग आया कब भैया जी, बीएससी नर्सिंग, जी हाँ बैचलर ऑफ द साइंस इन द नर्सिंग, ये वाला कोर्स आया कब आपका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर किसी को याद हो तो एमएससी नर्सिंग का भी बता देना, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कब आए हैं, जल्दी से, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, नहीं तो लिख दूं, जल्दी से कमेंट फास्ट, बीएससी नर्सिंग कब आई, एमएससी नर्सिंग कब आई, बहुत बढ़िया, कब आई, 1946 में बीएससी आया, और एमएससी कब आया था, 1959 में आया था, 65 में नहीं, 1959, बहुत बढ़िया, यहां कब आया था, 1946, और यहां क्या जाएगा, 59, याद रख लेना इन दोनों चीजों को, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा डियर। चले आगे, चले 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 चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, द एंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क। अरे भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक को पकड़िएगा, एंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट, एंसरेबिलिटी का मतलब जवाबदेही कौन होगा, परफॉर्म द असाइन टास्क, जिस काम के लिए आपको चुना गया है उसका जवाब कौन देगा, ये एंसरेबिलिटी कहलाएगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा, ये अकाउंटेबिलिटी कहलाएगा, ये एप्रिशियल कहलाएगा, जल्दी से कमेंट फास्ट, जी हां आर के राजकुमार अमृत कौर न्यू दिल्ली, राजकुमार अमृत कौर न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहले एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था और सबसे बड़ी और सबसे शानदार और जानदार कॉलेज है दोस्तों, कभी मौका मिले तो विजिट करना या वहां पर जाकर के एमएससी नर्सिंग कर लेना, जिंदगी बन जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छी कॉलेज है। याद रख लेना एंसरेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, एंसरेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जवाब जवाबदेही। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कोई गड़बड़ करोगे तो जवाब कौन देगा, आप बोलोगे मैं दूंगा सर, मैं जवाब मैं ही दूंगा, जब गड़बड़ मैंने खुद ने की है तो जवाब भी मैं ही दूंगा, यानी एंसरेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, एंसरेबिलिटी का मतलब होता है डियर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही और एंसरेबिलिटी का मतलब जवाब देना। याद रखिएगा तीन वर्ड होता है, एक तो होता है ऑथोरिटी, एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी,
एक होता है आपका अकाउंटेबिलिटी, एक होता है ऑथोरिटी, एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, तो ऑथोरिटी का मतलब होता है भैया जी पावर। ऑथोरिटी का मतलब क्या देखने को मिलेगा, पावर। यानी अगर आप बोलते हो कि आपके घर के अंदर ऑथराइजेशन कौन है, पापा ऑथराइज कौन है, हर चीज के लिए पापा ऑथराइज है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कहां भेजना है, किसको कितने पैसे देने, क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है, पावर, उसको बोला जाता है पावर, यानी उनका डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है। दूसरा मैंने क्या बोल दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, भैया जी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का यानी उसकी जिम्मेदारी। किसी भी काम के लिए अगर आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, या कि अगर मान लीजिएगा आपकी फैमिली को सर्वाइव कराना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, यानी आपके घर को चलाना कैसे मैनेज करना, उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पापा। और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब अगर कोई नुकसान हो जाता है, अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए जवाबदेही कौन होगी, मम्मा, उसके लिए कौन होगी, मम्मा या मम्मी। याद रख लेना इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बता दिया, जी हाँ, पापा फॉर पावर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पापा के साथ में रख देना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही कौन होती है, हर चीज का जवाब कौन देती है, मम्मी देती है। याद रखिएगा यहां जवाब क्या जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फॉर एंसरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत बढ़िया, पापा की परियों और पापा के परों, वापस से आ जाओ क्वेश्चन पे, परों को रोको साइड में और इस क्वेश्चन को खोल के रखो। According to Indian Nursing Counseling, the nurses patient ratio in the intensive care unit should be maintained. अरे भैया जी, किसके अनुसार पूछ लिया, INC के अनुसार, INC के अनुसार ICU में patient nurse का ratio क्या देखने को मिलेगा, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:1 क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। डील कर चुका हूं ये चीज मैं आप लोगों के साथ में, डील कर चुका हूं, जवाब दे देना। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या जाएगा, 1:1, क्योंकि यहां मैंने क्या नहीं पूछा, ईच शिफ्ट नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग स्टैंड ऑफ द टीचर्स यूजी स्टैंड रेशियो। भैया जी, एक बच्चे ने पहले पूछा था, इसका भी जवाब मैंने दे दिया था, एक बच्चे ने पूछा था कमेंट करके, उस टाइम मैंने जवाब दे दिया था, कॉलेज के अंदर और स्टूडेंट में क्या रेशियो होना चाहिए, 1:5, 1:10, 1:12, 1:15, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का बी जवाब आया, उस टाइम मैंने बताया था 1:10 होता है। यहीं पे आपको याद रखना है, एक होता है टीचिंग हॉस्पिटल, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक होता है टीचिंग हॉस्पिटल, अगर आपसे टीचिंग हॉस्पिटल में पूछ ले तो जवाब देना है 1:5, टीचिंग हॉस्पिटल में 1:5 होता है। और एक होता है नॉन टीचिंग हॉस्पिटल, नॉन टीचिंग यानी जहां पर टीचिंग नहीं होती है वो वाले हॉस्पिटल, वहां पर क्या रेशियो देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1:3, दोनों चीजों को याद रखिएगा, अगर आपसे टीचिंग पूछे तो 1:5, नॉन पूछे तो 1:3, और कुछ भी मेंशन करके नहीं पूछे तो जवाब देना है 1:5। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टीचिंग लिख करके पूछे तो भी जवाब 1:5 देना है, नॉन लिख करके पूछे तो 1:3 देना है, कुछ भी लिख करके नहीं पूछे तो जवाब 1:5 देना। चलूं आगे डियर, जी हाँ, टीचिंग नॉन टीचिंग, अगर ये जवाब ये नहीं आए तो नियर बाई रिजल्ट दे देना, अगर ये नहीं आए तो क्या दे देना, नियर बाई जवाब दे करके आ जाना, इंपॉर्टेंट चीज है, नियर बाई वाला भी माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1:6, नेक्स्ट पूछ रहा है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ, भैया जी रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसका पार्ट रहेगा, जल्दी से थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या जवाब जाएगा। ये यूजी पीजी में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं होगा, पवन कुमार चोपड़ा, ज्यादा चेंजेज नहीं होगा डियर। ये क्या हो गया जितेंद्र जी, जनरल वार्ड में आग लग गई क्या, सर उल्टा हो गया, अरे नहीं भैया जी, सर तो सीधे ही है, क्वेश्चन उल्टा हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखो यार। क्वेश्चन ने पूछा रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस का टाइप है, जवाब क्या जाएगा, सी जाएगा, इंफॉर्मेशन का काम नहीं होता है, इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो बाहर आपके सूचना सही केंद्र होते हैं वहां से मिलेगी, थेरेप्यूटी का मतलब ये ट्रीटमेंट का पार्ट वार्ड में होता है, और मेडिकल सर्विस का मतलब किसी भी प्रकार की मेडिकल सर्विस का वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया डियर, क्वेश्चन ने पूछा है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूड,
फंक्शन में अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, तो वो सारी चीजें होगी पोस्ट कोर्प वाली, सारी की सारी चीजें होगी पोस्ट कोर्प वाली। बोले तो प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, कंट्रोलिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, स्टाफिंग होगा, बजटिंग होगा, ये सारी की सारी चीजें आएगी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ देम। बोले तो डी करेक्ट आंसर होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एक्सेप्ट। अरे भैया जी, प्रोबेबल सैंपलिंग में सारी की सारी टेक्निक काम में लेंगे छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा डियर, इस क्वेश्चन का क्या जवाब जाएगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को उठाएगा और मजेदार क्वेश्चनों को अच्छे से डील करेंगे, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग के दो टाइप होते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग होता है। अब आपसे पूछा है प्रोबेबल सैंपलिंग के सारे मेथड होते हैं छोड़ करके, सारे के सारे मेथड होंगे छोड़ करके, तो जवाब क्या दोगे। पहला बोल रहा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, दूसरा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तीसरा बोल रहा है परपजिव सैंपलिंग, और लास्ट बोल रहा है क्लस्टर सैंपलिंग। तो कौन सी सैंपलिंग इसका टाइप नहीं होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसेगा अगर सैंपलिंग से फंसा तो। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट राफेल की तरह चलना चाहिए डियर, कमेंट टिंगड़िंग कैसे चलना चाहिए, राफेल, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों की तो गई भैंस पानी में, कुछ बच्चों का सही जवाब आया, राइट आंसर होगा परपजिव सैंपलिंग। भैया जी, परपजिव सैंपलिंग इज ए टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये किसका टाइप रहेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी का रहेगा। नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। पहला लिखा हुआ है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। भैया जी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कैसे लेंगे सर, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 1000 की पॉपुलेशन है, जैसे कि याद रख लेना सारी सैंपलिंग यही बता दूंगा। अगर मान लीजिएगा 1000 की सैंपलिंग है और आपको हर 50 का सैंपल लेना है, आपको सैंपल कितना लेना है, 50 सैंपल लेने, तो 1000 में 50 का भाग दे दो, कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, तो हर 20वें व्यक्ति का सैंपल ले लो, हर 20वें व्यक्ति का सैंपल ले लो। इस प्रकार से अगर आप डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो यह क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाएगा। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरा लिखा हुआ है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। भैया जी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये सारी आपकी वैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है, इसी को क्या बोलोगे, रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर आ क्या सिंपल है एलिमेंट्स काम में लोगे, जैसे कि आपने लॉटरी काम में ले ली, क्या काम में ले ली, लॉटरी का मेथड काम में ले लिया। जैसे कि मान लीजिएगा एक गाँव है, एक गाँव के अंदर जाकर के आपको सैंपल लेना है, और सैंपल किसका लेना है, मान लीजिएगा गाँव के अंदर पाई जाने वाली तमाम बीमारियों को पता करना, या गाँव के अंदर पाए जाने वाले इकोनॉमिकल स्टेटस को पता करना। तो कैसे करें सर, कुछ नहीं, गांव वालों के नाम की एक पर्ची डाल दो किसी बकेट के अंदर, किसी बकेट के अंदर पूरे के पूरे गांव वालों की नाम की पर्ची डाल दी, उस बकेट को हिलाया अच्छे से, और उनमें से 10 लोगों की पर्ची निकाल दी, और उनके अंदर ऑन एंड एवरेज आपने कंडीशन देख ली, और उसके अनुसार पूरे गांव की कंडीशन को मान लिया, यह कौन सी कहलाती है, ये वाली कौन सी कहलाएगी आपकी, सिंपल सैंपलिंग कहलाएगी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जी हाँ, कंप्यूटर के मेथड से निकाल दिया, लॉटरी के मेथड से निकाल दिया, कोई भी लॉटरी जैसा और कोई टाइप काम में ले लिया जिसके अंदर अचानक से लोगों को निकाल रहे हो, तो वो क्या हो गया, सिंपल सा मेथड हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्लस्टर सैंपलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सैंपलिंग के अंदर काउंट होती है क्लस्टर सैंपलिंग। इसी को बोला जाता है मल्टी स्टेज, इसी को क्या बोलोगे, मल्टी स्टेज भैया जी, इसी को क्या बोलोगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोला जाता है। दूसरा इसका नाम है, इसके अंदर क्या करोगे, बहुत सारे स्टेप बनाओगे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक नर्सिंग स्टाफ का लेवल क्या है, एक नर्सिंग स्टाफ के अंदर पाई जाने वाली क्वालिटी को असेस करो पूरे भारत में। मैंने आपको बोल दिया कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर नर्सिंग स्टाफ में पाई जाने वाली क्वालिटी को असेस करो, कैसे करोगे, तो फिर आप क्या करोगे दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने बोला कि सर ऐसे कर लेंगे, कम से कम पहले 5 स्टेट को सिलेक्ट कर लेते, पहले 5 स्टेट को सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लिया, राजस्थान ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया, हरियाणा ले लिया, हिमाचल प्रदेश ले लिया, 5 स्टेप आपने ले लिए। उसके बाद में क्या करो, इन 5 स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट ले लो, उन 5 स्टेट के क्या कर लो, 5 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लो। कर लिया सर, यानी भारत के कितने कर दिया, समझ नहीं आया, रिपीट चलिएगा, चुन्नू मुन्नू वापस समझा दूंगा बेटा, याद रखिएगा। अब मल्टी स्टेज के अंदर क्या करेंगे, बहुत सारी स्टेज बनेगी, कैसे बन रही है ध्यान से देखिएगा, चलिएगा ये चल रहा है इसको समझे पहले। अब 5 स्टेज के अंदर सबसे पहले 5 स्टेट ले लिए, भारत को क्या कर दिया, 5 स्टेट के रूप में ले लिया। रिपीट कर रहा हूं डियर, बार बार कमेंट नहीं करें, सारी समझा दूंगा ये मेरी गारंटी है। मेरे जीवन में रटने का संबंध नहीं है तो मैं आपको भी नहीं रटने का बोलूंगा, चीजों को समझो। भारत के अंदर 5 स्टेट को ले लिया, 5 स्टेट के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट को ले लिया। अब भैया जी, 5 डिस्ट्रिक्ट के क्या ले लो, 5 हॉस्पिटल ले लो, 5 डिस्ट्रिक्ट के क्या ले लो, 5 हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर लिया, कर लिया साहब, किसी को भी, ऐसा जरूरी नहीं कौन सा करें। अब इन 5 डिस्ट्रिक्ट 5 हॉस्पिटल की क्या कर लो, 5 नर्सेज ले लो,
और इसके अंदर क्या चेक कर लो, क्वालिटी एश्योरेंस कर लो। इनके अंदर क्या चेक कर लो, क्वालिटी चेक कर लो। ये आपकी क्या कहला रही है, मल्टी स्टेज बन रही है या नहीं बन रही, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलोगे, मल्टी स्टेज। इसको क्या बोलोगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोला जाता है, या इसी को ही बोलोगे आप, कौन सी मल्टी स्टेज को ही बोला जाता है, क्लस्टर सैंपलिंग। इसी को ही क्या बोलोगे, क्लस्टर सैंपलिंग। सादा सिंपल सा जवाब है, मल्टी स्टेज का मतलब एक से ज्यादा स्टेज लेकर के मरीज के अंदर सैंपलिंग लेने का तरीका कहलाता है मल्टी स्टेज। घबराने की नहीं, नाम बहुत बड़ा है, सैंपलिंग समझ में नहीं है आज तक, समझा देंगे, चिंता नहीं करें, आराम से कर सकते हो। अब जब मैंने बोल दिया कि बहुत सारी स्टेज में सैंपलिंग लेनी, अब ये सैंपलिंग कब लोगे, जब आपको बहुत बड़ा कोई डायमीटर का एरिया दे दिया जाएगा जहां सैंपल लेना इंपॉसिबल वाली कंडीशन होती है, तब लोगे। यानी ये तो नहीं है कि भारत के अंदर पाई जाने वाली तमाम नर्सों का सैंपल लेकर के आप पता करो कि उनमें क्वालिटी क्या है, यह तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसको क्या कर दिया, मल्टी स्टेज में पांच राज्य ले लिए, पांच राज्य का आपने पांच डिस्ट्रिक्ट ले लिए, पांच डिस्ट्रिक्ट के पांच हॉस्पिटल ले लिए, और पांच हॉस्पिटल के भी पांच वार्ड, पांच नर्सेज, कैसे भी स्टेप बन रहे हैं, एक दो तीन चार, ये आपका मल्टी स्टेज कहलाया। अगर सबको समझ में आ गया तो वापस से सिंपल और सिस्टमेटिक समझा दूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सबका क्लियर हो गया क्या, मल्टी स्टेज या क्लस्टर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम दो तीन बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लस्टर सैंपलिंग किसको बोला जाता है, तो जवाब देना मल्टी स्टेज इज आल्सो नोन एज क्लस्टर सैंपलिंग। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा डियर, क्या ये आपको समझ में आ गई, तो मैं वापस से आपको वो बता देता हूं। जी हां, सारी बता देंगे, चिंता नहीं करें, सारी क्लासेज अवेलेबल है। लक्ष्मी यादव, सारी क्लासेज अवेलेबल है, आ गई, बहुत बढ़िया। अब वापस से कुछ बच्चों ने पूछी थी, वापस से बता रहा हूं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अरे भैया जी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब हो रहा है सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम क्या होना चाहिए, यानी अगर जितने पॉपुलेशन में आपको सैंपल चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि ये गाँव है, इस गाँव के अंदर आपको 50 सैंपल लेने, एक गाँव के अंदर क्या करना है, आपको 50 सैंपल लेना है। ये देखिएगा, फिर से समझा देता हूँ, सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होगी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को क्या बोला जाएगा। जैसे कि मैंने एक बोल दिया, एक विलेज है, समझ में आ गया, ठीक है, इस विलेज के अंदर आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। अब आपने पूछा कि सर सैंपल कितने लेने, मैंने बोल दिया 50 सैंपल लेने, कितने सैंपल लेने, सैंपल कितने लेने, तो आपने वो मैंने बता दिया 50 सैंपल। विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, आपने बता दिया सर 1000 की पॉपुलेशन है। विलेज की पॉपुलेशन क्या है, 1000 की पॉपुलेशन है। अब 1000 की पॉपुलेशन में से आपको 50 सैंपल लेने हैं तो कैसे लें भाई, 1000 की पॉपुलेशन में 50 सैंपल लेने हैं तो कैसे लें, तो आपने क्या कर दिया, 1000 को 50 से डिवाइड कर दिया, 1000 को 50 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, 20। यानी हर 20वें पर्सन का आप क्या लोगे, सैंपल। यानी एवरी 20 व्यक्ति का क्या ले लोगे, सैंपल। यानी पहले व्यक्ति का सैंपल लिया, उसके बाद 21वें व्यक्ति का सैंपल लिया, उसके बाद में आपने 41वें व्यक्ति का सैंपल लिया, हर 20 के बाद में सैंपल ले रहे हो, तो 1000 का सैंपल भी लिया गया, लेकिन एक सिस्टमैटिक मेथड काम में लिया, इसके लिए इसको क्या बोल दिया, सिस्टमैटिक सैंपल। क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक सैंपल। समझ में आ गया तो आगे चलूं, एक बार हर क्वेश्चन के बाद में आप थम सब करके बताओगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तभी आगे चलूंगा, क्योंकि रिपीट होना हर चीज को पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका मैंने टाइप बताया था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये कौन सा बताया था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर रैंडमली चीजों को उठाएंगे और चलेगा। थैंक यू सो मच डियर, आपका प्यार इसी प्रकार से उत्कर्ष परिवार के साथ में और हमारे साथ में बना के रखिएगा, दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे आपके लिए, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए। ये फॉर्मूला, जितनी पॉपुलेशन है कितना है उसको डिवाइड कर दो। अब भैया जी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए मैंने बोल दिया कि ये देखिएगा, ये कोई आपका एक गांव है, ये आपका क्या है, कोई भी विलेज है, इसके अंदर ये क्या है दोस्तों, वे आपके रोज की क्लास वाले ये भाई साहब बैठे हैं, ये आपकी रोज की क्लास वाले ये क्या बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार के ये बैठे हैं भाई साहब, समझ में आ रहा है, ये बैठे हुए, ये क्या बैठे हुए, ये भाई साहब भी बैठे हैं और ये भाई साहब की क्या बैठे हुए। अब मैंने बोल दिया कि इनके अंदर सिंपल सैंपलिंग ले लो, तो आपने क्या बोला कि बता तेरा नाम क्या है, तो इसने बताया मेरा एक नंबर नाम है, मेरा दो नंबर नाम है, मेरा तीन नंबर है, मेरा चार नंबर है, मेरा पांच नंबर है, मेरा छह नंबर है, मेरा सात नंबर है। तो ये सात नंबर वाली सात लोगों के क्या कर लिया, आपने नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद में क्या कर लिया, एक डब्बा ले लिया, और डब्बे के अंदर इनकी सबके नाम की एक एक पर्ची डाल दी, इनके बाद में आम की क्या डाल दी, आपने एक एक पर्ची डाल दी। चलिएगा, ये सातों के सातों बंदों की आपने पर्ची डाल दी, इस पर्ची को क्या कर दिया, डब्बे को हिला दिया, लॉटरी कैसे निकालते हो, और उसके बाद में आपको सिर्फ दो लोगों का सैंपल लेना है, तो आपने दो लोगों की क्या कर ली, पर्ची उठा ली। अब दो की पर्ची उठाई तो पांच नंबर और छह नंबर उठ गया, तो इसको बोला बेटा तू आ जा, और छह नंबर को बोला तू भी आ जा, इसके अंदर आप क्या कर लोगे, क्वालिटी को चेक कर लोगे, या जो आपका टारगेट है उसको असेस कर लोगे। यानी यहां पर पता कर लोगे जो आपका टारगेट है, किसके लिए सैंपल लेना है, वो ले लोगे। ये आपका नेक्स्ट कंप्लीट हुआ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। समझ में आ गया तो बता दीजिएगा,
बहुत बढ़िया, इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस रखना है कि नॉर्थ साइड क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा नॉर्थ साइड, ये आपका सिंपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट होता है स्टेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी फॉर एग्जाम्पल के लिए चलेगा, ये आपके क्या हो गया दोस्तों, ये गांव है, इस गांव के अंदर ये देखिएगा अलग अलग नमूने बैठे हुए, भाई सैंपल को हिंदी में नमूना ही तो बोलते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ने ऐसा कैसा बोल दिया। चलिएगा, ये आपका कोई गांव है, इसके अंदर आपको कौन सा मेथड काम में लेना है, स्टेटिफाइड का मतलब हो गया कि स्टेटिफाइड में मेल और फीमेल को अलग कर दो, या होमोलोगस और हिटरोलोगस को अलग कर दो, यानी इनके अंदर हिटरोलोगस ग्रुप को बांट दिया जाता है। हिटरोलोगस ग्रुप को क्या कर दोगे, हिटरोलोगस ग्रुप में बांट करके सैंपल लोगे, यानी सादा सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि इनको मान लेना मेल, ये सारे रेड कलर वाले कौन है, सॉरी रेड कलर वाली तो फीमेल होगी, बोले तो पापा की परियां, चलिए रेड कलर वालों की तो पापा की परियां मान लेना, और ये ब्लू कलर वाले बोले तो काले काले कौन है अपने अय्यर भाई, काले काले कौन है अपने मेल, बोले तो मेल, ये भी मेल, याद रख लेना ये पिंक कलर वाली दिख रही है ये पापा की परियां हैं, और ये ब्लू कलर वाले सारे के सारे पापा के परे हैं। अब आपको कौन सा सैंपल लेना, स्टेटिफाइड रैंडम सैंपल लेना है, तो इनको अलग कर दो, पापा की परियों को अलग कर दो, पापा के परों को अलग कर दो, और इनमें से सैंपल निकाल लो, पापा की परियों को अलग कर दो, पापा के परों को अलग कर दो, और सैंपल निकाल लो, ये कौन सा कहलाता है, हेटरोलोगस और होमोलोगस ग्रुप में अलग अलग बांट दो, मेल फीमेल को अलग कर दो, एज के साथ में अलग कर दो, किसी भी प्रकार से उनको अलग कर दो, हर चीज को अलग करके उनमें से क्या ले लो, सैंपल ले लो, ये आपका मेथड कहलाएगा स्टेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ये आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, याद रखिएगा इसके अंदर आपका जवाब क्या गया, पर्पस ज्यू, ये पर्पस ज्यू वाला आता है दूसरा टाइप, यानी इसके अंदर आप कौन कौन सी सैंपलिंग लोगे, किसी ने पर्पस ज्यू का मतलब किसी ने किसी टारगेट के दौरान सैंपल लेते हैं, इसको बोला जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। भैया जी पहली पढ़ ली अपन ने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरी क्या हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर एक तो आ गया पर्पस ज्यू, दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा आपका, दूसरा देखने को मिलेगा कन्वेंशनल, नेक्स्ट कौन सा देखने को मिलेगा, क्वाटा सैंपलिंग देखने को मिलेगी, और लास्ट कौन सा देखने को मिलेगा, स्नोबॉल सैंपलिंग देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जिस बच्चे ने पकड़ लिया उसकी जिंदगी बन जाएगी दोस्तों, इतनी मेहनत अगर कर रहा हूं, इतनी शांति से समझा रहा हूं, मुझे पता है समय की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी समय देने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन बेच के अंदर मैं इतना ज्यादा आपको रैशनल इसीलिए दे रहा हूं कि आपकी जिंदगी बन जाए, वरना हवा भी नहीं लगेगी, परपजी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबल क्या होती है, समझाने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करना। अब मैं नॉन प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, पहला लिखा परपजीव सैंपलिंग का मतलब क्या होगा, परपजीव का मतलब होगा किसी ना किसी परपज के कारण, जैसे कि मैंने बोल दिया कि सैंपल किस लिए ले रहे हो, तो आप बोलोगे सर गांव के अंदर एचआईवी के मरीज का पता कर रहे हैं, गांव के अंदर एचआईवी के मरीजों का पता करना हमारा टारगेट है, यानी आपका क्या है कुछ ना कुछ पर्पज है, गांव के अंदर पाई जाने वाली कार्डियोवास्कुलर पेशेंट का पता कर रहे हैं, यानी आपके पास में टारगेट है, गांव के अंदर पाए जाने वाले कैंसर के मरीजों के बारे में पता कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में कोई ना कोई टारगेट है, आपके पास में कोई ना कोई पर्पज है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पर्पज यू कहलाती है। दूसरा लिखा हुआ है कन्वेंशनल, या इसको बोला जाता है खुद के कन्वीनियंट के आधार पर, इसको कन्वेंशनल की जगह कन्वीनियंट बोला जाता है, कन्वीनियंट सैंपलिंग बोलोगे, यानी सुविधा अनुसार, जैसे कि आपने मुझे बोल दिया कि सर आपके जोधपुर के अंदर कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट कितने हैं, तो मैं अब पूरे जोधपुर में कब तो घूमूं और कब इतना बता करूं, उससे अच्छा क्या हो गया जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद में मेरे घर के पास में कोई गार्डन होगा, उस गार्डन में जाकर के बैठ जाऊंगा, वहां बूढ़े दादाजी आएंगे, उनको बोलूंगा कि आपको बीपी शुगर की गोली चलती है, वो बोलेंगे चलती है, तो बोल दिया एक, दूसरे को देख लिया दो, गार्डन में 100 बंदे आए थे, उनमें से 5 को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर था, और मैंने क्या कर दिया, डाटा दे दिया कि भैया जी जोधपुर के अंदर ये एवरेज चल रहा है कि हर तीसरे बंदे को कार्डियोवास्कुलर है, यानी मैंने अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल ले लिया। चलेगा, ये मैंने क्या बता दिया, ये कन्वीनियंट, यानी मैंने अपनी सुविधा के अनुसार वो सैंपल ले लिया, पास में घर के पास में जो गार्डन था वहां गार्डन में जाकर के जो सैंपल ले लिया वो क्या था, पर्पज सैंपल, नॉर्थ साइड सिलेक्शन या उत्कर्ष का पर्पज सैंपल है। जी हाँ, बहुत बढ़िया हितेश प्रजापत, क्या बात है, ये पर्पज है हमारा। चलिएगा, मैंने क्या बता दिया, थैंक यू सो मच डियर,
अब इसको रोकिएगा, इतना ज्यादा कमेंट बॉक्स को नहीं भरें कि हमारा बार बार से क्या हो, हमारी आई बॉल घूम घूम करके मसल्स में टीयरनेस नहीं आ जाए। कन्वीनियंट यानी मैंने अपने सुविधा के अनुसार सैंपल ले लिया, ये इसमें हो गया। अरे थैंक यू सो मच हितेश प्रजापत, बेटा वेट कर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वाटा सैंपलिंग। क्वाटा का मतलब ईच क्वाटा, हर एक चीज को क्वाटा में तोड़ेंगे, यानी एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे, यूज द ईच क्वाटा यानी इसके अंदर सैंपल की साइज फिक्स होगी और उस सैंपल की साइज के फिक्सेशन के अनुसार आपको सैंपल लेना, ये क्वाटा सैंपलिंग कहलाएगी। और लास्ट में लिखा है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को ही बोला जाता है चेन सैंपलिंग, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है दोस्तों। इसी को क्या बोलोगे, चेन सैंपलिंग बोला जाएगा। और चेन सैंपलिंग का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, चेन सैंपलिंग का यानी जहां बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली जो चीज आएगी वो क्या कहलाती है, स्नोबॉल सैंपलिंग। यानी अगर मैंने आपको बोल दिया कि जोधपुर के अंदर आप जाकर के एचआईवी के मरीज को ढूंढ लो, मैंने आपको बोल दिया कि जोधपुर के अंदर जाकर के एचआईवी के मरीज को ढूंढ लो, आपने बोला कि सर ये क्या टास्क दे दिया, कैसे ढूंढे। भैया एचआईवी के मरीज के कोई हेड यानी फ्रंटल लोब के ऊपर आपका ये फोरहेड के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है आई एम द एचआईवी पॉजिटिव, तो सर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया, कैसे ढूंढे। तो बहुत मुश्किल वाली चीजों को ढूंढ के निकालना या ऐसे डाटा को कलेक्ट करना, वो सारी चीजें जाती है स्नोबॉल्स में। रायपुर एम्स का फेवरेट क्वेश्चन था स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसने कंटिन्यू 3 बार पूछा था एचआईवी के मरीजों को ढूंढने के लिए जो टास्क किया चेन सर्कुलर काम में लिया जाता है वो कौन सी सैंपलिंग है, तो स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाएगी। क्लियर है, तो ये आपकी सारी की सारी सैंपलिंग कंप्लीट हुई, इस क्वेश्चन का जवाब ये जाएगा। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, मेरे अनुसार किसी भी बच्चे को कोई सैंपलिंग में डाउट नहीं होना चाहिए और आप इस पे फोकस कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और वापस से जो अपन ने टाइम ड्यूरेशन इसमें लगाया है उसकी भरपाई आप करोगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द सब्जेक्टेड इन द रिसर्च स्टडी बिहेव इन द पर्टिकुलर मैनर बिकॉज दे आर अवेयर दैट दे आर द बींग ऑब्जर्व इज कोल्ड। अरे भैया जी जो मैंने बोला था वही जवाब आ गया, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा एक सेकंड के अंदर। और मेरा वादा ही नहीं, मुझे पूरा मेरा उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि अब आप इसके प्रति कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे सैंपलिंग का। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि सब्जेक्टेड इन द रिसर्च स्टडी बिहेव ए पर्टिकुलर मैनर दे आर अवेयर दैट हैव बीन ऑब्जर्व। अरे भैया जी एक भाई साहब हैं जिनको पता है मुझे कोई ना कोई देख रहा है, तो उन्होंने काम करने का तरीका बंद चेंज कर लिया, यानी आपकी स्कूल की प्रेयर याद आ गई होगी, प्रिंसिपल का नजर आ गया होगा, पापा का मोबाइल को देखना नजर आ गया होगा, तो यह सारी चीजें कहां कहलाती है, हेवर्टन इफेक्ट कहलाती है, जवाब जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डियर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्सेप्ट, सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड है छोड़ करके, सारे के सारे किसके मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप है छोड़ करके। दो प्रकार की टाइप की रिसर्च स्टडी होती है, एक होती है क्वालिटेटिव एक होती है क्वांटिटेटिव, तो कौन सा है जो आपके सारे के सारे किसके हैं, क्वालिटी के हैं, क्वालिटी के हैं सारे के सारे छोड़ करके। तो भैया जी दे दो जल्दी से जवाब इसका भी, पहला बोल रहा है फिनोमिनोलॉजिकल, दूसरा बोल रहा है इंथनोग्राफी, तीसरा बोल रहा है ग्राउंडेड थ्योरी, और लास्ट आपसे बोल रहा है कोरिलेशन। क्या बोल रहा है, कोरिलेशन। जल्दी से थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को उठाएगा जो बच्चे जो सोच रहे हैं कि इतने दिन मुझे रिसर्च नहीं आई, मैं तो यूं ही डर रहा था, मैंने वादा किया था रिसर्च को इतना बना दूंगा कि आप बोलोगे सर वंस मोर, आपको मजबूर कर दूंगा कि सर वंस मोर एक रिसर्च की क्लास और लगा दो। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट जवाब आएगा फिनोमिनोलॉजिकल, इथमोग्राफी, ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं आपके, ये सारी की सारी चीजें आती है क्वालिटेटिव के अंदर, और ये आपका कोरिलेशन नहीं होगा इसके साथ में, याद रखिएगा। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के अंदर आएगा मैनिपुलेशन आएगा, रैंडमलाइजेशन आएगा, कंट्रोल आएगा, ट्रू क्वासी आएगा, क्वासी सैंपलिंग आएगा, वो उसके अंदर काउंट होगी। क्लियर है डियर, चले आगे। राइट आंसर डी गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ए ब्लू प्रिंट, किसके बारे में पूछा है, ए ब्लू प्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द स्टडी। अरे भैया जी किसी भी स्टडी के लिए तैयार किया गया ब्लू प्रिंट क्या कहलाएगा, पहला बोल रहा है पायलट स्टडी बोलोगे, पायलट स्टडी बोलोगे, रिसर्च हाइपोथेसिस बोलोगे, रिसर्च डिजाइन बोलोगे, या डाटा कलेक्शन टूल बोलोगे। जल्दी से कमेंट थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा डियर, जब मैंने आपके लिए इतना सब्र करके इतने अच्छे से आपको रिसर्च का समझाया है, तो अब थोड़ा सा समय की सीमाएं है, मैक्सिमम क्वेश्चन तक अप्रोच करना है, तो जल्दी से क्वेश्चनों को डील करते जाएगा। थोड़ा कमेंट बॉक्स को उठाइएगा, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, ताकि समय की सीमाएं में जितना मेरे दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन घूम रहे हैं वो मैं सारे आप तक डिलीवर कर पाऊँ, जो चीज मैं दिमाग में लेकर के आया हूँ कि वो बच्चे तक पहुँचनी चाहिए वो सारी मैं पहुँचा पाऊँ। बहुत बढ़िया, क्या
जवाब जाएगा मैक्सिमम बच्चों की तो गई भैंस पानी में। भैया ब्लू प्रिंट पूछा है, अरे ब्लू प्रिंट का मतलब होता है नक्शा, और नक्शा कहलाता है रिसर्च डिजाइन। अरे मकान बनाने से पहले नक्शा नहीं तैयार करते हो कि ये 25-50 का प्लॉट है, इसके अंदर ये गार्डन बनाएंगे, यहाँ लॉबी छोड़ेंगे, यहाँ अपना डाइनिंग रूम बनेगा, यहाँ अपना क्या होगा क्रिकेट का मैदान बनेगा, यहाँ अपना किचन बनेगा, और ये जगह खाली छोड़ देंगे कूलर पंखे के लिए। यानी कैसा भी चीज का कोई भी ब्लू प्रिंट तैयार करना क्या कहलाता है रिसर्च डिजाइन। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी भी प्रकार की रिसर्च करने से पहले आपके पास में रिसर्च डिजाइन तैयार होना चाहिए, कि आप वो बात होती है ना मूवी में कहना क्या चाहते हो, वो वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो हम वही करना चाहते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च का मतलब ये मत सोच लेना कोई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। भैया जी रिसर्च का मतलब क्या देखने को मिलेगा, वापस से रिसर्च वर्ड को तोड़ो, कहां गया कहीं रिसर्च है क्या, लिख देता हूं भैया जी रिसर्च कहां, कौन से दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो री का मतलब हो रहा है रिपीट, और सर्च का मतलब हो रही है सर्चिंग, तो इसका मतलब क्या हो रहा है रिपीट सर्चिंग हो रही है। भैया जी रिपीट क्या हो रही है आपकी सर्चिंग देखोगे वो कंडीशन कहलाएगी रिसर्च। सर नई चीज की खोज करना क्या कहलाएगा, इन्वेंशन कहलाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी न्यू डिस्कवरी को क्या बोलोगे, न्यू डिस्कवरी को बोला जाता है इन्वेंशन। तो याद रख लेना कोई भी चीज के अंदर अगर वापस से, जैसे कि मान लीजिएगा आज पंखा बना हुआ है, जी हाँ पंखा बना हुआ है, लेकिन आप उस पर बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगा करके एक नई क्वालिटी का पंखा तैयार कर लेते हो, वो आपका रिसर्च कहलाएगा। यानी जो चीज आज तक नहीं बनी हुई है वो बना रहे हो, वो कहलाएगा इन्वेंशन। और आप कोई चीज बनी हुई है उसको बना रहे हो, वो क्या कहलाएगा रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन कब का आ चुका था, मूवी के अंदर वो बड़े बड़े टेलीफोन देखे थे, उसके बाद में मोबाइल फोन वाला आया था, उसके बाद में वो टोकी जैसा आया था, उसके बाद में मोबाइल फोन आया, मोबाइल के बाद में स्मार्ट आया, और अब तो हाईली स्मार्ट या हाई क्वांटिटी के स्मार्टफोन आ चुके हैं। पहले एक कैमरा आया, सबसे पहले किसी ने कैमरा की खोज की थी, और आज मोबाइल के अंदर 7-7, 8-8 कैमरा आ चुके हैं। तो ये उनके लिए रिसर्च है, यानी एक आया, एक के बाद उन्होंने दो जोड़ दिया, यानी उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हो। लेकिन नई चीज को ढूंढोगे, कभी भी पूछा हुआ कि उसने न्यू चीज की डिस्कवरी, बच्चे रिसर्च जवाब देके आए थे, गलत है। नई चीज की डिस्कवरी करना इन्वेंशन कहलाता है, और रिसर्च डिजाइन को ही ब्लू प्रिंट बोला जाता है। चलो आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, थैंक यू सो मच पर गया, बहुत बढ़िया डियर। डेलीगेशन समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा देंगे, इसका जवाब दीजिएगा। डेलीगेशन का मतलब होता है डियर, जो आपके पास में आपके पावर्स होते हैं उनका किसी न किसी को उत्तराधिकार घोषित कर देते हो। यानी फॉर एग्जांपल के लिए आपके पिताजी के पास में घर के सारे डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन अब पिताजी 4 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहे हैं, और उन्होंने जितने भी खुद के पावर हैं वो आपको सौंप दिए कि बेटा मेरे जितने मैं डिसीजन लेता था उतने के उतने डिसीजन लेने में आप काबिल हो, मेरे सारे डिसीजन आप ले लेना, मेरे जितने भी पावर हैं वो मेरे पावर आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए पिताजी ने अपना आपका एटीएम कार्ड आपको पकड़ा दिया, पिताजी ने अपने पेटीएम के पासवर्ड आपको बता दिए, पिताजी ने अपनी सोशल मीडिया जो डेली खुद हैंडल करते थे वो आपको बता दी कि बेटा 4 दिन मेरी सोशल साइट को तुझे हैंडल करना है। यानी जितने काम उनके थे वो सारे के सारे काम आपको सौंप दिया, यह कहलाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब अपना क्या दे देना, काम दे देना। जैसे बॉस होते हैं, बॉस के पास में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो वो क्या रख लेते हैं, अपना पीए बोले तो पर्सनल असिस्टेंट रख देते हैं, यानी खुद का कुछ ना कुछ काम क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम करने में तू हकदार है, तू मेरे काम कर लेना, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये उसके लिए रहेगा डेलीगेशन, क्या रहेगा डेलीगेशन। अब यहां पूछा है द एक्सटेंट और द डिग्री ऑफ द विच टूल मेजर द वाट इज द सपोज टू मेजर नाउन एज। अरे भैया जी डिग्री चेक कर रहे हो, एक्सटेंट चेक कर रहे हो किसी भी टूल की, ये क्या कहलाता है उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हो, ये उसकी क्या चेक कर रहे हो दोस्तों, वैलिडिटी कहलाता है। राइट आंसर बी जाएगा, याद रखिएगा। स्टेबिलिटी का मतलब वो स्टेबल है, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है किसी भी स्पेशल कंडीशन के लिए आ जाना, और पहला बोल रहा है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब वो कितनी चीजों के लिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, वो कितनी चीज के लिए बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ध्यान से देख लेना, इन दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में। एग्जाम्पल के लिए आपने मार्केट से बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आपने मार्केट से क्या खरीदा दोस्तों, बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदा, और जाकर गए उससे मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया, क्या कर लिया ब्लड प्रेशर चेक किया, और मरीज का ब्लड प्रेशर चलाया 130/90 mmHg चलाया, ये आपने उसका क्या किया था, यानी मार्केट से मशीन को खरीदने
पर ला करके उससे बीपी चेक कर लिया, बीपी चेक हो गया, मशीन ठीक है, या आपने उसकी वैलिडिटी चेक कर ली, या आपने उसकी क्या चेक कर ली डियर, वैलिडिटी। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब वो कितना रिलायबल जवाब देता है, वो कितना एक्यूरेट जवाब देता है, यानी उसके लिए आप रिपीटेड अटेम्प्ट करोगे। क्या करोगे? रिपीटेड अटेम्प्ट करके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप क्या करोगे, उसी मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करोगे हर दो दो मिनट से। पहली बार रीडिंग आई 120/80, 10 मिनट बाद देखी 130/90, 5 मिनट बाद फिर से देखी 132/89, नेक्स्ट आपने देखी 140/90। यानी अगर मान लीजिएगा ये वाली रीडिंग उसके अंदर चली आती है बार बार चेक करने के उपरांत, इसका मतलब आप उसकी क्या देख रहे हो, रिलायबिलिटी देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि 5-10 तो ऊपर नीचे हर एक एक दो दो मिनट में होती जाती है। तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन अगर मान लीजिएगा उसी मशीन के अंदर आपने एक मिनट पहले चेक की तब उस मरीज की 140/90 आई, और अगले ही सेकंड में आपने चेक की तब उसकी रीडिंग चली आई 60/20, इसका मतलब क्या हो गई, मशीन खराब है। इसका मतलब क्या हो गई, मशीन खराब है। तो मशीन का काम मशीन से चेक करना कहलाती है वैलिडिटी, और मशीन की एक्यूरेसी चेक करना या मशीन की कंसंट्रेशन चेक करना यह कहलाती है रिलायबिलिटी। तो दोनों चीजों को अलग रखिएगा। जी हाँ, कंसिस्टेंसी, बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी बोल दो, कंसिस्टेंसी। तो अगर एक बार तो 140 और अगले ही मिनट में क्या 60/20 हो सकती है, और 60/20 के बाद भी भाई साहब हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, बैठे हैं, काजू कतली खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, इसका मतलब बिना मरे बैठा है, शोक में नहीं गया, इसका मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट खराब है। चलूं आगे डियर, बहुत बढ़िया। कि उसने पूछा है द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। अरे भैया जी, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक करना मैंने अभी बताया था, क्या बोलोगे, रिलायबिलिटी। राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। आगे चलूं, हाथों हाथ चलूं क्या, बिना समय खराब किए हुए। जी हाँ, मशीन खराब है, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जी नहीं, एक्यूरेसी, वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी नहीं होगा डियर। सुनील कुमार ध्यान से देखें, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई चेंजेज नहीं है, इन दोनों को रिलायबिलिटी बोलोगे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, लिटरेचर रिव्यू इज, भैया जी लिटरेचर रिव्यू क्या कहलाएगा, लिटरेचर रिव्यू क्या बोला जाएगा, या इसी को बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL। आपसे बोल रहा है एवरीथिंग दैट इज नाउन अबाउट सब्जेक्ट, सारी की सारी चीजें सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। दूसरा बोल रहा है एन एनालिटिक समरी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग की एनालिटिक समरी होगी। तीसरा बोल रहा है ऑल अप्रूव्ड डाटा ऑन द रिसर्च टॉपिक, सारे के सारे रिसर्च टॉपिक से संबंध रखते हैं। और लास्ट बोल रहा है एन कंप्लीट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, और सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट इससे संबंध। तो याद रखिएगा, सादा सिंपल सा जवाब है, सारी चीजें सब्जेक्ट से होनी चाहिए, एनालिटिक संबंध इससे कभी भी नहीं रखता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनालिटिक इज नॉट रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एनालिटिक इज नॉट रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। याद रखिएगा, जवाब क्या जाएगा, सारी की सारी चीजें जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, उसी से संबंध रखती है। तो जवाब जाएगा ए, ऑल डाटा रिसर्च टॉपिक नहीं होगा, ए कंप्लीशन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया डियर, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, वरना मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, आप कमी मत निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ ए डाटा कलेक्शन, भैया जी कौन सा डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं होगा, इंटरव्यू करेंगे भैया, इंटरव्यू के बिना क्या पता चलेगा, सर एक्सपेरिमेंट करोगे क्या मरीज पे, मेजर तो संदेह एक्सपेरिमेंट का, क्वेश्चन पूछोगे, जरूर पूछेंगे, बिना क्वेश्चन के डाटा ही कैसे लेंगे, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, अरे उसको ऑब्जर्व करोगे क्या, जी हां उसको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। तो याद रख लेना, इंटरव्यू किया जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, लेकिन नोट पूछा था तो कभी भी मरीज में डाटा कलेक्शन के दौरान एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, डाटा कलेक्शन के दौरान मरीज पे कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, फटाफट से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एलिमेंट ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है मरीज को इन्फॉर्म करके कंसेंट लेना, मरीज को इन्फॉर्म करके कंसेंट लेने का मतलब उसको बता करके उसके बारे में उससे परमिशन लेना। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब पूछा है और नोट पूछा है, भैया जी इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब पहले क्या करो, इन्फॉर्म करो, पहले क्या करो, इन्फॉर्म करो, सारी चीजें क्लियर करो, और उसके बाद में क्या ले लो, परमिशन ले लो, उसके बाद में क्या ले लो, उसकी परमिशन ले लो, ये चीजें कहलाती है इन्फॉर्म कंसेंट।
ये चीज क्या कहलाएगी, इन्फॉर्म कंसेंट। तो पहला बोल रहा है पर्पज ऑफ द स्टडी, तो पर्पज तो है कि स्टडी के ऊपर काम करना है इसलिए ले रहे हैं। दूसरा बोल रहा है ऑफर है आंसर ओनली द सिलेक्टेड क्वेश्चन, कि लिमिटेड क्वेश्चन का जवाब देना, ये बात गलत है। आपके दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा दिमाग बोलेगा उस चीज का तो जवाब दे दूंगा, लेकिन सामने वाला कुछ भी पूछे उसका जवाब नहीं दूंगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, वैसे इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये होता है, अब मरीज को जाओ जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो उसको बताओ कि अपेंडिक्स क्या होती है, ऑपरेशन कैसे होगा, चीरफाड़ कैसे होगी, बेहोश कैसे करोगे, होश कैसे आएगा, दर्द कैसे कम पड़ेगा, ठीक कैसे होगा, और क्या क्या नफे और क्या क्या नुकसान, यानी प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सारी जानकारी दोगे। उसके बाद में वो बोलेगा कि आई विल एग्री विथ यू, मैं आपके साथ में एग्री हूँ, मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ नफे नुकसान के लिए। तो ये होता है कंसेंट। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऑफर आंसर ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आप कुछ दिमाग के अंदर 3-4 क्वेश्चन लेकर के गए हो, सिर्फ उन्हीं का जवाब दोगे, मरीज क्या बोल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात गलत है। इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर पेशेंट के अंदर या जो रिसर्च का सैंपल है उसके अंदर बनने वाले संपूर्ण क्वेश्चनों को आपको जवाब देना पड़ेगा। इन्फॉर्म कंसेंट का सिस्टम याद रख लेना, अपने हॉस्पिटल सेटिंग में कौन लेगा तो डॉक्टर साहब रेस्पॉन्सिबल होगा, इन्फॉर्म कंसेंट लेगा कौन, डॉक्टर या फिजिशियन और सर्जन की लेने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट कहां लेना पड़ता है, किसी भी प्रकार का इन्वेजिव आप प्रोसीजर कर रहे हो यानी चीरफाड़ कर रहे हो, कोई भी बॉडी की कैविटी में एंट्री ले रहे हो, इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, किसी भी प्रकार का रिसर्च कर रहे हो, इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, किसी भी मरीज की प्राइवेसी को भंग कर रहे हो, आपको इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो तीसरा बोल रहा है सब्जेक्टेड सिलेक्टेड प्रोसेस होगी, होगी साहब, अल्टरनेटिव प्रोसीजर होगा, होगा डिस्क्लोज के अंदर, तो ए सी डी होगा, बी नहीं होगा। सॉरी जी हाँ, नर्स के लिए विटनेस होगा, जब भी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो काम आएगा, बहुत बढ़िया, एविडेंस के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू नर्सिंग रिसर्च, अरे भैया जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या मदद मिली थी अपने को नर्सिंग रिसर्च के दौरान, नर्सिंग रिसर्च के अंदर, नर्सिंग रिसर्च में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की बहन जी ने अपने को क्या मदद की थी। पहला बोल रहा है केस स्टडी अप्रोच सिखाया था, दूसरा बोल रहा है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाई थी, तीसरा बोल रहा है डाटा कलेक्शन एनालिसिस बताया था, और लास्ट बोल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बताया था। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को फास्ट कीजिएगा, इतने मैक्सिमम बच्चे जुड़ चुके हैं लेकिन ना तो क्लास को अभी तक लाइक किया है और ना ही अभी तक अच्छे से कमेंट किया, तो दोनों चीजें भरमार करके दिखाएगा, और जो अभी तक क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुए उनको जोड़ देना, यानी अब कुछ ही देर के अंदर क्लास का समापन करेंगे, जल्द ही मैक्सिमम क्वेश्चन तक अप्रोच करके तो उनको भी बता दो कि आज हमने इस क्लास को ऐसे रिसर्च को पढ़ के दिखाया जहां रिसर्च से हमें दिल को घबराहट होती थी लेकिन आज रिसर्च से प्यार करके दिखाया, बहुत बढ़िया। ये किसके बारे में जानकारी दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो डाटा कलेक्शन यानी मरीज से डाटा कैसे लेना है और मरीज के अंदर एनालिसिस कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी। बेटा बी नहीं होगा, जो बच्चे बी बता रहे हैं वो गलत है, केस स्टडी के बारे में नहीं बताया था, फ्रेमवर्क तैयार नहीं की थी और क्वालिटेटिव नहीं बताया था, इन्होंने किसके बारे में बताया था, डाटा कलेक्शन, मरीज से डाटा कैसे लेना है, बी नहीं हो रहा है। जिनका बी हुआ उनकी गई भैंस पानी में, चलिएगा, डाटा कलेक्शन लेना है और उसके साथ में डाटा को कैसे एनालिसिस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रकार के डाटा कलेक्ट करने, हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करने, आस पड़ोसी से करना है, मेडिकल रिकॉर्ड से डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा को इंटरप्रिटेड करना है, उस डाटा को वैलिडिफाइड करना है, उस डाटा को एक्यूरेट अरेंज करना है, उसको क्लियर वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, उसके बाद में उसमें प्रायोरिटी फ्रेमवर्क तैयार करके उस पर वर्क करना है। क्लियर है डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज आर द पर्टिकुलर यूजफुल इन द नर्सिंग बिकॉज दे, अरे भैया जी आपसे पूछ रहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों जो रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी के अंदर बात हो रही है और क्वांटिटेटिव का मतलब क्वालिटी के अंदर, एक में क्वालिटी हो रही है और दूसरे में क्वांटिटी यानी वजन ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या बोल दिया, ये आप कहाँ काम में ले रहे हो, नर्सिंग के अंदर कहाँ मदद करेगी, अरे नर्सिंग फील्ड के अंदर ये कहाँ मदद करेगी, तो पहला बोल रहा है रिक्वायर लेस रिसोर्सेज, अरे कम रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, दूसरा बोल दिया आर इजीली टू इंप्लीमेंट, आराम से इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, तीसरा बोल रहा है जनरेट ए डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग में अलग अलग नॉलेज को जनरेट करेंगे, और लास्ट बोल दिया आर द बोथ प्रोसेस ओरिएंटेड, दोनों की दोनों प्रोसेस ओरिएंटेड होगी। तो सादा सिंपल सा जवाब क्या होगा, नर्सिंग के अंदर नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ये काम अपन करेंगे, नर्सिंग फील्ड के अंदर नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए अपन दोनों टाइप काम में लेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर, ए रिसर्चर कंडक्ट ए स्मॉलर स्टडी, एक रिसर्चर है जो क्या कर रहा है, स्मॉल स्टडी को कंडक्ट कर रहा है दोस्तों, दैट प्लान स्टडी टू आइडेंटिफाई, और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लमेटिक एरियाज बिफोर इंप्लीमेंटिंग ए प्लान्ड लार्ज स्केल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन,
देन द स्मॉलर स्टडी, सादा सिंपल सा जवाब है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा ये मेरा कोई रिसर्च का डिजाइन तैयार हुआ है, ये मेरा क्या तैयार हो गया, ये पूरी की पूरी रिसर्च के लिए मैंने चीजें तैयार की है, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा मान लीजिएगा कोई बड़े रूप में कोई बिजनेस को शुरू करूं, उससे पहले क्या करूं, एक छोटे रूप में करके देख लूं यानी कि सही होता है या नहीं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, देख लेना। अगर मान लीजिएगा आपके दिमाग में आता है कि एक अच्छा सा प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दूं, और कितना बड़ा खोल दूं, एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम्पल है, बोले तो मनगढ़ंत बातें हैं। वो कहते हैं ना ये सारी चीजें काल्पनिक है, किसी भी वास्तविकता भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी संबंध नहीं है। वैसे जो मूवी के अंदर सबसे पहली लाइन आती है वही वाली, चलिए यहां एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा आपके दिमाग में आ गया कि क्या स्टार्ट कर दूं, एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर दूं, और हॉस्पिटल कैसा कर दूं, हॉस्पिटल करना है अपने को 200 बेडेड हॉस्पिटल करना है। कितना करना है दोस्तों, 200 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट करने का ख्वाब कर दिया। तो आप ये 200 बेडेड के बारे में सोच लिया, लेकिन पहले क्या करो, 4 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट करके देखो। पहले क्या कर दो, 4 बेडेड आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करके देखना है कि अगर वो सक्सेस हो जाता है, 4 बेड भरे हुए हैं, सारी की सारी चीजें, मरीज आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है, ड्यूटी वाले ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर आ रहा है, बजट आ रहे हैं, मरीज से फंडिंग मिल रही है, इनकी सैलरी बन रही है, सारा का सारा सेटअप चल रहा है। यानी कहने का मतलब है जब आपने 200 बेडेड का ख्वाब देखा है, तो पहली बात तो यह हो सकती है कि 200 बेडेड को डायरेक्ट आपने ओपनिंग कर दिया, उसका इनोग्रेशन कर दिया, 200 बेडेड जितना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल दिया, 50 डॉक्टर रख दिए, 100 नर्सिंग स्टाफ रख दिए, लैब वाले रख दिए, सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, कैमरा लगा दिया, ये लगा दिया, रिसेप्शन बना दिया, सारा मैनेजमेंट सेटल कर दिया, और पहले ही महीने का खर्चा निकल के आ गया 35 लाख, और मरीज आए आपके पास में 20। पहले ही महीने का खर्चा आ गया 35 लाख, मरीज आ गए 20, फंडिंग की कमी आ गई, हालत खराब हो गई। उससे अच्छा क्या हो गया, पहले 4 बेडेड का हॉस्पिटल खोला, 4 बेडेड फुल हो गए, 4 को 8 कर दिया, 8 को 80 कर दिया, 80 को 180 कर दिया, और 180 को और ज़्यादा 1800 तक पहुंच गए। यानी स्टेप बाय स्टेप में बढ़ जाना, मेरे कहने का मतलब एक बड़ी चीज़ को इंप्लीमेंट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ को इंप्लीमेंट करके देखना ही क्या कहलाता है, पायलट स्टडी कहलाती है। क्या कहलाती है, पायलट स्टडी कहलाता है। राइट आंसर सी जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना जिस दिन आपको इनोग्रेशन में बुला दिया, जिसने डायरेक्ट 200 बेडेड का हॉस्पिटल खोल दिया, 1% एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपके पास में पैसा खूब है, आपने बोल दिया कि सर 200 बेडेड खोल देंगे, बोल दिया कि ये पड़ोसी होगा, ये डॉक्टर साहब को ले आएगा, ये नर्सिंग स्टाफ को ले आएगा, खोल दिया खोल दिया खोल दिया, अगले ही महीने अखबार में एड डालोगे किराए के लिए बिल्डिंग खाली है, अगले ही महीने एड डालना नहीं पड़ जाए कहीं किराए के लिए बिल्डिंग खाली है। तो उससे अच्छा पहले क्या कर लो, पायलट स्टडी पे वर्क कर लो। यानी पायलट स्टडी पे जो वर्क करने का मकसद क्या बताया, यहां देखिएगा, प्रॉब्लमेटिक एरियाज बिफोर इंप्लीमेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस कंसेप्ट को पकड़ लेना तभी आंसर निकल के आएगा। यानी जब आप 4 बेडेड हॉस्पिटल को पहले खोलोगे तो उस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, यानी कौन कौन सी दिक्कत आई है, कि सर पहली दिक्कत तो ये आ गई ऑक्सीजन कहां से मंगाई, तो 4 बेडेड में पता चल गई औकात, उसके बाद में सर नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो पता चल गया 4 बेडेड में नहीं मिल रहा है, 200 खोल देते तो इतना कहां से लाते, सर डॉक्टर टाइम से नहीं आता है, हॉस्पिटल नहीं खुल पाता है, डॉक्टर टाइम से नहीं आता है, 4 बेडेड में पता चल गया, 200 में होता तो गड़बड़ हो जाती। तो कुल मिलाकर के आने वाली सारी दिक्कत को छोटे रूप में पहले एनालिसिस कर लेना, पायलट स्टडी कहलाती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्चर प्रोसेस, रिसर्चर प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा डियर। जी हाँ, फाइंडिंग द वीकनेस, बहुत बढ़िया, और इसी को अभी खत्म कर दो ताकि बड़े रूप में नुकसान नहीं हो। जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या जवाब जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला प्रिपेयर ए रिसर्च डिजाइन, कंप्लीट ए डाटा कलेक्शन एनालिसिस, फॉर्मुलेट ए रिसर्च क्वेश्चन, और लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर ए रिपोर्ट। तो सादा सिंपल सा जवाब क्या जाएगा, सबसे पहले रिसर्च का डिजाइन तैयार करना है, उसके बाद में काम की शुरुआत करनी है। सबसे पहले क्या तैयार करना है, सबसे पहले क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, सबसे पहले आपको रिसर्च का डिजाइन तैयार करना है। यानी ख्वाब देख लिया 200 बेडेड हॉस्पिटल को बनाने का, तो 200 बेडेड का हॉस्पिटल कौन सी जगह बनेगा और क्या नक्शा होगा वो तैयार करो, उसके बाद में आगे काम करेंगे। हु इज द फर्स्ट नर्स रिसर्चर, भैया जी फर्स्ट नर्स रिसर्चर कौन थी, मेर्था रोगर थी, डोर्थो ओरम था, फ्लोरेंस नाइंटिगल थी, या क्लिस्टा रोय थी। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए डियर जो इस लाइव क्लास को इतनी देर से देख रहा है लेकिन अभी तक मैक्सिमम बच्चों तक शेयर नहीं की और कमेंट नहीं किया। अगर कमेंट नहीं किया तो कॉन्फिडेंट नहीं करोगे खुद को, और अपन किस लिए जुड़े हैं, खुद को कॉन्फिडेंट करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, टिल नॉट सेट, यानी मैं वादा करता हूं दोस्तों, अपन अगर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी। बस ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाना, मेहनत करते जाना, मेहनत करते जाना, और सिलेक्शन को निकाल के ले आएंगे। बस दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, बोले तो
पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है। बहुत बढ़िया। कौन है फर्स्ट नर्स? तो जवाब देना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राइट आंसर सी जाएगा। भैया जी डॉर्थो ओरम ने क्या बताया था? सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी बताई थी। सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी किसने बताई थी? तो जवाब देना है भैया जी डॉर्थो ओरम ने बताई थी। और क्लिस्टा रॉय ने क्या बताया था? रॉय एडेप्टेशन थ्योरी दी थी। क्या दिया था? रॉय एडेप्टेशन। और इन वेन जी ने क्या बोला था? बोल दे तो मैरथा रोगर ने कुछ भी नहीं बोला था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये थ्योरी पर भी क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है चीजें, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर ब्यूरोक्रेटिक के बारे में थ्योरी पूछे तो मैक्स वेबर जवाब देके आना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक की थ्योरी किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी। किसने दी थी? मैक्स वेबर ने बताई थी भैया जी। किसने बताई थी? मैक्स वेबर ने बताई थी। एक थ्योरी होती है थ्योरी एक्स एंड वाई, किसने बताई थी? एक्स एंड वाई। कमेंट फास्ट डियर, जल्दी से बता दीजिएगा थ्योरी एक्स एंड वाई किसने बताई थी? डॉगलस ने बताई थी। स्पीड को लो करें भैया जी, अब स्पीड बढ़ाने का समय आ गया। एक्स एंड वाई किसने बताई थी? डॉगलस ने बताई थी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई किसने बताई थी? मैक डॉगलस ने, मैक डॉगलस ने बताई थी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम को टालने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल के लिए बोला तो जैसे ही मान लीजिएगा आपको कोई भी काम करने में मजा नहीं आता, आप काम को टालोगे। जैसे कि मैं बोल दिया कि नॉर्सेट की पढ़ाई सर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल कर ले बेटा, नहीं कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं परसों के परसों करेंगे। अगर काम को टालने की कोशिश करो, कंडीशन एक्स बताएगा, यानी ये काम को क्या करेगा? अवॉइड करेगा। ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, ये काम को अवॉइड करेगा और ये काम के लिए मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। ये क्या रहेगा? वाई, यानी इंटरेस्टेड है। ये क्या रहेगा आपका? इंटरेस्टेड। याद कर लेना, एक्स का मतलब जैसे कि मम्मा ने कोई काम का बोल दिया तो आपने उस काम को टालने की कोशिश की, यानी ये काम मैं नहीं कर सकता, कैसे न कैसे टाल दूं, तीन चार घंटे उसके बाद कॉलेज चला जाऊंगा, क्लासेज में चला जाऊंगा, कोचिंग चला जाऊंगा, और काम को टाल दिया। बोले तो आज का दिन तो कंप्लीट हुआ, हाय भगवान कल का कल देखेंगे। तो वो एक्स प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो काम को अवॉइड करते हैं। और एक दूसरा होता है कि काम के लिए मरे जा रहे हैं, बोले तो कुछ ना कुछ करके काम करना है, कैसे न कैसे काम को ढूंढना है। बोले तो बार बार मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी कोई काम हो तो बताओ, अरे यार कोई काम है तो बताओ, मैं तो फ्री बैठा हूं। तो वो कंडीशन आती है वाई वाली। वो कंडीशन क्या देखने को मिलती है? वाई वाली। तो एक्स और वाई के बारे में किसने बताया था? मिस्टर डॉगलस ने बताया था, मैक्स वेबर ने बताया था ब्यूरोक्रेटिक के बारे में, रॉय एडेप्टेशन बताया था क्लिस्टा रॉय ने, और डॉर्थो ओरम ने बताया सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? पीको मींस। भैया जी पीको मींस क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को उठाएगा ताकि लगना चाहिए कि हां भैया पढ़ने वाले हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है, बहुत अच्छा ब्रेन का स्टिमुलेशन मिल रहा है, अच्छे से अभी तो इंटरनेट भी बहुत ज्यादा सप्लाई के रूप में अच्छे से पढ़ाई चल रही है, धनाधन चलते जाएगा। इस सब्जेक्ट को बोले तो टिप्स पे करके छोड़ेंगे। पीको मींस, पीको मींस का मतलब क्या होता है? तो सादा सिंपल सा है, पी का मतलब पॉपुलेशन होगा, ई का मतलब इंटरवेंशन होगा, कंपैरिजन होगा और आउटकम होगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए लाया हूं। पीको का मतलब है पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया आपसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ले लीजिएगा, डबल स्टार, डबल स्टार लगा दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को उड़ा करके बताइएगा जवाब क्या जाएगा। जी हाँ, फैमिली का फायदा वाई में और अपना फायदा एक्स में, क्या बात है। एक्स एक्स को छोड़ो और प्रेजेंट में चले आओ, क्या एक्स और क्या वाई। क्वेश्चन है क्या पूछा है? सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द नर्सिंग इंक्लूड। अरे भैया जी नर्सिंग मॉडल के कंसेप्चुअल स्टडी पूछी है, तो जवाब क्या जाएगा? जवाब यही जाएगा कि इनमें कौन कौन होने चाहिए। अरे ए जवाब नहीं जाएगा, जिनका ए गया उनकी भैंस पानी में चली जाएगी, जिनका जवाब ए गया उनकी भैंस पानी में चली जाएगी। भैया जी इसके अंदर इंसान होना चाहिए, इंसान का स्वास्थ्य होना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए और नर्सिंग होनी चाहिए। नर्सिंग का पूछा, इसका मतलब इंसान होना चाहिए, इंसान की हेल्थ होनी चाहिए, एनवायरमेंट बोले तो पर्यावरण होना चाहिए और नर्सिंग होनी चाहिए। राइट जवाब जाएगा आपका सी, मेन हेल्थ एनवायरनमेंट नर्सिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रख लेना ये फोर इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ये फोर इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट होते हैं, मेन हेल्थ एनवायरनमेंट नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से पढ़ के फटाफट से जवाब दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व हाई रिसर्चर कंट्रोल रैंडम सैंपलिंग एंड द लेबोरेटरी विंडो। अरे भैया जी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिसर्च, रिसर्च के टाइप में पूछा है इन्वॉल्व हाई रिसर्चर, हाई रिसर्चर का कंट्रोल सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? हाई रिसर्चर का कंट्रोल वहीं देखने को मिलेगा जहां सारी चीजें सम्मिलित होगी। मैंने बताया था दोस्तों की तीन चीजें होती है, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है कंट्रोल और एक होता है रैंडमलाइजेशन।
एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है रेंडमलाइजेशन और एक होता है कंट्रोल। जहां ये तीनों चीजें शामिल होगी वहां सबसे ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और ये तीनों चीजें शामिल कहां होती है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर। कहां देखने को मिलेगा? ट्रू एक्सपेरिमेंटल का। याद रखिएगा ये क्वासी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वासी में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? इसके अंदर मैनिपुलेशन और रेंडमलाइजेशन में से एक चीज होगी और एक इसके अंदर कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के दो चीजें होगी, तो ये क्वासी कहलाएगी। क्लियर हो गया? याद रखिएगा क्वासी में ये होगा, ट्रू में तीनों चीजें सम्मिलित होगी। ट्रू के अंदर तीनों चीजें सम्मिलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फटाफट से पढ़िएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन द रिसर्च प्रोसेस इज सिमिलर टू विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अरे भैया जी, नर्सिंग के प्रोसेस से कौन सी सिमिलरिटी चीज है जो रिसर्च के अंदर क्या देखने को मिल रही है? प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे रही है, प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे रही है। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन कमेंट कर रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट फास्ट दिया। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो किसका? रिसर्च प्रोसेस का, जो सिमिलरी किससे है? नर्सिंग प्रोसेस है। तो नर्सिंग प्रोसेस में बीमारी के बारे में पता करना नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। और यहाँ किसके बारे में? किसी भी रिसर्च में पाई जाने वाली कमियों के बारे में जानकारी लेना नर्सिंग डायग्नोसिस, और वहाँ रिसर्च डायग्नोसिस हो जाएगा। यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस है, वहाँ रिसर्च डायग्नोसिस हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़ के जवाब दे देना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अरे भैया जी, स्टेटमेंट दिया है किसके बारे में? द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेड का मतलब अनुमानित के रिलेशनशिप बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। टू और मोर वेरिएबल, दो और दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में संबंध बताना। अजम्पशन बोलोगे, हाइपोथेसिस बोलोगे, प्रॉब्लम बोलोगे या रिसर्च क्वेश्चन बोलोगे? जल्दी से एक जवाब दे देना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज की क्लास को अटेंड किया था। वेरी गुड। क्या बोलोगे? हाइपोथेसिस बोलोगे। याद रखिएगा, अच्छे से याद बता, याद रखने की ट्रिक रहेगी। ये क्या होती है? साइंटिफिक प्रिडिक्शन होती है। इसको क्या बोलोगे? साइंटिफिक प्रिडिक्शन, यानी साइंस को मानते हुए कोई भी चीज के लिए प्रिडिक्शन करना यानी अनुमान लगाना, वो कंडीशन कहलाती है हाइपोथेसिस। और बिना कुछ दिमाग आओ देखे ना ताओ दिमाग लगा लिया, वो कंडीशन कहलाती है अजम्पशन। दोनों चीजों को ध्यान से समझना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अच्छे से समझा देता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ सेट के अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर का, तो आपने बोला कि सर इस बार 100 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपने क्या बोला? कि इस बार 100 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैंने पूछा क्यों आएंगे भैया? आपने बोला बस आएंगे तो आएंगे। अरे आएंगे तो आएंगे का मतलब आपने अजम्पशन कर रहे हो। अगर आएंगे तो आएंगे वाली चीजें काम में ले रहे हो, इसका मतलब आप अजम्पशन कर रहे हो। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इस बार नॉर्थ सेट में क्या रहने वाला, आपने बोला सर कम से कम 20 तो इमेज बेस फंसेंगे। सर कम से कम तो 20 तो इमेज बेस क्वेश्चन फंसेंगे। तो मैंने पूछा क्यों फंसेंगे, तो आपने बोला सर इतिहास गवाह है, सर इतिहास गवाह है, पिछली साल, उससे पिछली साल, उससे पिछली साल, पिछले 3-4 साल से कभी 60, कभी 50, कभी 30, कभी 35 क्वेश्चन आए, तो 20 तो इस साल भी आएंगे। तो आप हाइपोथेसिस कर रहे हो। यानी साइंटिफिक प्रिडिक्शन करने का मतलब जिस चीज का लॉजिक आपके पास में होगा, लॉजिक को लगा करके अगर उस चीज का जवाब दे रहे हो, वो चीज तो कहलाती है हाइपोथेसिस। और होगा तो होगा वाली चीजें काम में ले रहे हो, इसका मतलब अजम्पशन काम में ले रहे हो। तो ध्यान रखिएगा थीसिस और अजम्पशन के अंदर। आज का सेशन अपना यहीं तक रह गया दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने आज को रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से अच्छे से लगाव किया, अच्छे से प्यार किया था, बहुत अच्छे से आपने क्लास को एंजॉय किया था। अगर क्लास के अंदर इफेक्टिवनेस मिली है तो हर एक उस बच्चे को भी इस क्लास के अंदर जोड़ देना जिसका ख्वाब रिसर्च से डरता रहता है। कल बैक टू बैक अपना बहुत शानदार सेशन होगा। अगर कुछ शेड्यूल में चेंजेज होने वाला नहीं है, आई थिंक रात को ही क्लास होगी, फिर भी कुछ शेड्यूल के अंदर अभी थोड़ा परिवर्तन चल रहा है समय की सीमाओं के कारण, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार आप तैयार रहिएगा। बहुत बड़ा धमाका करेंगे कल की क्लास के अंदर भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे, वही टॉपिक डील करेंगे जो आपको नॉर्थ सेट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का, तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा कितना बाकी है, कितना तय कर लिया। बस तय कर लिया है तो तय कर लिया, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, सिलेक्शन को निकाल के लाएंगे। इसी प्रकार से बने रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि करना चाहे।